प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवे सत्यवतये नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हित विघ्ननाश अभीष्ट भगत तमालि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं सुविदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जनं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरभाजुभावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोले बोलो हरे कृष्ण सब सब पीछे पीछे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बार सब के सब जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण लाइव जाता है फेसबुक पे ये भी कि आपको यहाँ पे लगा हरे राम मैं नहीं लाया हूँ बोला था लड़का भी आपको दे देगा आप लगा देंगे अपने साथ और इसका चार्जिंग भी देना पड़ेगा इनफैक्ट मेरे गुरु पाद अभी तो अब तक ये दो मिनट इसका सेटअप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन एवं यहाँ के ग्रामीण देवता सभी का चरण में मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि हम लोग सप्तम दिवस व्याप्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत लोगों का कहना है ये जो श्रीमद् भागवत कथा कदी ये साधारण भाग्य से कोई रख भी नहीं सकते और ये कथा को कोई सुन भी नहीं सकते। संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम नहीं, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो सब लोग हमें मदद कर रहे हैं जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। यदि ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना और कोई रखना कभी तो कोई अर्थ बल से कोई नहीं कर सकते हैं, न तो कोई जन बल से नहीं कर सकते, न तो कोई मन बल से कर नहीं सकते, न तो कोई आत्मा बल से नहीं कर सकते। जब तक बांके बिहारी की कृपा की बल नहीं हो, जब तक संतों की कृपा की बल नहीं हो कभी ये कथा को कोई सुन भी नहीं सकते और कथा को कोई रख भी नहीं सकते। इसलिए आज समझो हम लोगों को ऊपर में ठाकुर जी की बांके बिहारी की विशेष विशेष कृपा है जो कि हमारे श्री गिरिराज कुमारी इनका नाम देखो कितना बढ़िया नाम है।
इनको पिता माता जी ने बहुत बढ़िया नाम देख देख करके नाम दिया है, क्योंकि ये भागवत कथा में सबसे जो श्रेष्ठ पूजा है श्री गिरिराज की पूजा है। स्वयं गिरिराज जी स्वयं बांके बिहारी ने बता रहे, अगर कोई गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना कोई लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का भी अभाव नहीं पड़ेगा, उसको घर में अन्न पूरा भरा रहेगा। इसलिए जब तक ये गिरिराज में कृपा नहीं हो, कोई भगवत भक्ति को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकते। कृष्ण स्वयं जिस गिरिराज के अपना हाथ से चुका है, इसलिए इनकी पिता माता जी ने जो नाम रखा है ना, सचमुच से बहुत बढ़िया नाम रखा। इनके नाम सुन करेंगे तो मैं प्रेम में गदगद हो गया, देखो कि आज गुरु जी ने नाम रखा श्री गिरिराज कुमारी राय। बोले श्री गिरिराज महाराज की जो जितने जोर से गिरिराज जय देगा, इनका नाम तो गिरिराज कुमारी दास ही है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन तो स्वयं से बात के लिए आए। बोले श्री गिरिराज महाराज लगे तो यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते बले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते परीक्षित बले एक जन्म की सौभाग्य नहीं, कहते जब करोड़ों करोड़ों जन्म की सौभाग्य की उदय हो, पुण्य उदय हो, तभी ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई रख सकते हैं, तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती जगत में सब चीजें आसानी से मिलती हैं, लेकिन ये पार्वती एक चीज बड़े किस्मत वालों को मिलती है। तो मैया पार्वती प्रश्न करती हैं बोले प्रभु हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं बले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ कथा जिसको गोस्वामी जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कहते संतों का संग और जो भगवान की कथा है ये बड़े भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है। कहते निमिष दंड भर एक होगा, जीवन में अगर एक निमिष एक घड़ी आधी घड़ी कहते आधी से पुण्य आध तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। इसलिए पार्वती ये जो भगवान की जो कथा ये जो भागवत कथा पार्वती ये बड़ा दुर्लभ है। अरे मैया पार्वती प्रश्न करती है कहते प्रभु आप कहते हो सतसंगति दुर्लभ संसार में, बोले सतसंगति दुर्लभ कहाँ है। देखो हमारी गिरिराज कुमारी ने कथा यहाँ पर कथा रख रहा है, बोल रहे थे कम से कम 500 कार जाकर घर घर में देख रहे हैं, फिर बैगर लगाए अनाउंसमेंट किया भैया कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने तो सारा दुनिया में प्रचार किया है, फिर ये सतसंगति दुर्लभ कहाँ है। लेकिन देखो शंकर जी क्या कहते हैं बोले पार्वती
ये सारे कांड करके लेकिन कोई नहीं आएगा, कथा में कोई नहीं आएगा। पार्वती अगर पता चले ना, ये शाहरुख खान यहाँ पर आ रहा है, ये ऐश्वर्या राय यहाँ पर आ रही है, देखे ना वहां प्यार रखने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग वहां इकट्ठ हो जाएंगे, इतने लोग वहां पर इकट्ठ हो जाएगी पार्वती, लेकिन पार्वती की जो सत्संग जो हरि कथा, यहाँ पर कोई हजार पहनावाजी कर देगी, अरे अम्मू काम पड़ गया था, वहां अम्मू जगह पर चला गया था, हमें समय मिला लेकिन वहां पर सारा समय मिल जाएगा। सिनेमा है ना, 3 घंटा की अगर फिल्म हो, आधा घंटा पहले वहां जाएगा, लाइन में खड़े रहेंगे, फिर पैसा दे करके गलती करके चीज को देख करके बुद्धि भ्रष्ट करके नरक का रास्ता पूरा खाली कर गया, उल्टा उल्टा चीज को देख करके। लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो सत्संग है पार्वती ये दुर्लभ है, जब मैया बोली दुर्लभ कहेंगे तो सुलभ है, ये तो सत्संग सुलभ है, कथा हो रही है सब गरिमा कर दिया। देखो उसकी दूसरी लाइन में शंकर जी क्या कहते हैं, बले आबतहि सार अति कठिनाइ, आबतहि सार अति कठिनाइ, सत्संग में कोई नहीं आ सकते हैं। फिर पार्वती प्रश्न करेंगे प्रभु सही कथा में कौन कौन आते हैं, फिर ये भागवत कथा में जो सुनने के लिए आते हैं हे कौन कौन। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाप देहि न सकत, भगवान की दो तरह की कृपा है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट कृपा है। शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा हो, अति कृपा हो पार्वती, तभी वही व्यक्ति आ सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारी बच्चे का बर्थ करे, नहीं तो तुम्हारे घर में शादी हो रही, आप बता वहां पर कौन कौन आए, सब आएंगे वहां पर, आप जिसको निमंत्रण दोगे ना वो जाएगा, भले घर को पास में 9 इंच की दीवार है, उसको पास में दूसरे व्यक्ति रह रहा है, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं देंगे तो वो दिख नहीं आएगा, अगर 1000 किलोमीटर बने कोई हो, लेकिन आप उसको निमंत्रण दिया है फिर वही व्यक्ति ही वहां पर आता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती भगवान जिसको निमंत्रण देते हैं, भैया यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, तभी वही व्यक्ति आ सकते हैं। उदाहरण दिया, जब भगवान कृष्ण बंसी बटे को नीचे खड़े होकर के उन्होंने बंसुरी बजाई, ब्रज में सब लोग थे, उनको सखाएं सखियां पिता माता सबके सब थे, लेकिन वो रासों में कौन कौन आए, रासों में सब नहीं आए, रासों में केवल ब्रज की गोपियां ही वो रास में आए। बोले क्यों, बोले कृष्ण उनकी ही उनको ही बुलाए थे, कृष्ण सबको नहीं बुलाए थे। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा पे वही आ सकते हैं जिसको भगवान ने कल किया है, जैसे फोन में मोबाइल में कल करते हैं उसमें देखना नंबर भी आ जाते हैं कौन कल करता है, इसलिए भगवान जिसको यहाँ कल करके बुलाया है केवल वही व्यक्ति ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सब नहीं आए हैं। इसलिए संतो जो जो लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं
करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक जन्म का पुण्य से ही, इसलिए बहु जन्म का संवर जीते ना, कहते एक जन्म का पुण्य से ही करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति उदय होने पर, पुण्य उदय होने पर कोई ये भागवत कथा में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो लोग आए हो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति आए हो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो ये कथा आज केवल हम श्रवण करेंगे, ये भागवत कथा की क्या महिमा है, हम लोग क्यों यहाँ पर सब सात दिन तक ये भागवत कथा सुनने हम क्यों आए, उसको सुनने से क्या फल है और ये कथा की क्या महिमा, केवल आज हम इसी विषय पर कथा सुनेंगे। इसको लगा तो ना ये रोज लगेगा यहाँ पे, इसको रिचार्ज चार्जिंग कॉर्ड भी लगाना है क्योंकि इतने बैटरी तो नहीं होती ना 3 घंटे चले, तो एक यहाँ पे कहीं पे फिक्स कर। आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपके पिताजी एक लड़के को मंगवाए थे, वो बोला कि ये देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये सौभाग्य देवताओं का भाग्य में भी नहीं होता, इसलिए अभी हम कथा सुनेंगे। वो अगर होता जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परिपत महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवताओं का हम लोग घर घर में पूजा करते हैं, कभी ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर के आए, बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप जो परिपत महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे हो, बोले क्यों कथा सुनाने जा रहे हो, इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए तो ये कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से संपूर्ण ये अमृत कलश लेकर के आए हैं, लो ये पूरा का पूरा ये अमृत कलश ले लो और ये अमृत पिला लो परिकृत महाराज को, ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये जो भागवत कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो ये कथा मृत हमने पान करा दो। लेकिन देखो श्री सुखदेव गोस्वामी क्या क्या कहते हैं, बोले कथा को जानते हुए कथा है क्या चीज, कहते ये भागवत कथा और उसने वाक्य बिहारी ये कोई अलग नहीं, ये एक ही वस्तु है, हैं? बोले को कथा को मणिर महान उदाहरण देते हैं, अगर आपको पास में कोई व्यक्ति एक टूटे फूटे कोई कांच लेकर के आए, बोले ये कांच को आप ले लो और आपको पास में जो मणि है ये मणि हमें दे दो, आप दे दोगे मणि को, यानी ये श्रीमद् भागवत कथा ये कथा नहीं, ये कथा रूप में स्वयं ठाकुर बोले, इसलिए भागवत की महिमा में बताए, बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। ये जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं, कहते स्वयं वाक्य बिहारी नहीं, ये भागवत का रूप धारण करके आए। जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़कर के जा रहे थे, श्री उद्धव जी वहां पर थे, बोले हे प्रभु आप तो ये संसार छोड़कर के जा रहे हो, अभी हमें आश्रय कौन देगा। वाक्य बिहारी कहते हैं उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन ये कलियुग में दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले प्रभु कलियुग में आप किस रूप में रह रहे हो, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले तेन अयम वाङ्मयी भक्ति भगवान स्वयं सप्त ब्रह्म रूप में ये अक्षरात्मक रूप में भगवान की ये ग्रंथ की निवास है, इसलिए पद्म पुराण में बताए, बोले भागवत ये द्वादश स्कंद द्वादश खंड है 12 खंड है, जो प्रथम जो द्वितीय खंड है कहती है बांके बिहारी की ये दो चरण है, जो तृतीय चतुर्थ खंड है बोले बांके बिहारी की ये चंदा है, कहती जो पंचम स्कंद बोले ये ठाकुर की ये नाभि कमल, जो षष्ठ और सप्तम स्कंद कहती है ठाकुर के जो हाथ है, ये जो अष्टम स्कंध ये ठाकुर जी की बंध है, जो नवम स्कंध कहते वाक्य बिहार की एक कंठ है, जो दसम स्कंध ये ठाकुर जी की मुखार बिंद,
जो एकादश स्कंध ये ठाकुर जी की ललाट और जो द्वादश खंड ये ठाकुर जी का सर है। बल्कि ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी जीव की कल्याण करने के लिए ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं, बोले भागवत कथा सुनना और ठाकुर जी से मिलना ये दो बात नहीं, ये कथा नहीं सुन रहे हो, साक्षात ठाकुर जी से हम मिल रहे हैं। इसलिए कहते जब श्री देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, उनको कथा सुनने नहीं दिया, संपूर्ण अमृत कलश का विनिमय में भी उनको कथा सुनने का नहीं मिला। इसका मतलब है कहते हम लोग देवताओं से भी ज्यादा सौभाग्यशाली, ये जो कथा हम सुन रहे हैं कहते देवता रूप में जन्म लेने पर भी उन्हें भी कथा सुनने की सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य आज हमें मिल रहे हैं। एक बार भागवत का जयकार लगा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे सब जयकार लगा, ठीक है, बोला श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। और एक बार जोर से बोला श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। देखो यहाँ भी प्रश्न आता है भैया, ये स्वर्ग का जो अमृत है क्या इसकी कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगा दिया हमको वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते हो। अभी प्रश्न ये स्वर्ग का अमृत का कोई महत्व नहीं, बोले भैया ये स्वर्ग का, स्वर्ग का जो अमृत को पाने के लिए ये भगवान को भी चार चार बार अवतार लेना पड़ा था। हम आगे कथा सुनेंगे, जब देवता दैत्य में लड़ाई हुआ करता था, देवता जब दैत्य को मारते थे इनका गुरु को जीवित कर देते थे, लेकिन दैत्य अगर देवता को मारे ना देवता पूरा ही मर जाए। तो इन लोग ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो इससे अमृत निकलेगा, इसको पी करके अमर बनोगे, लेकिन अकेले नहीं कर सकते, ये दैत्य को भी साथ में ले जाया करो। जब देवता दैत्य मंदार जल पर्वत को ला रहे थे मंथन करने के लिए, वो इतना भोजन था बीच में गिरा तो कितने देवता दैत्य खत्म। फिर ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी नारायण, उन्होंने गरुड़ को पीठ को ऊपर ला करके समुद्र में, समुद्र को बीच में रखे थी, पर प्रभु का पहला बता। फिर मंथन प्रारंभ हुई, धीरे धीरे ये पर्वत नीचे जा रहा था। फिर ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी फिर कुर्मा बता लिया, कितना बता हो गया, अब लोग गिन रहे कि नहीं, कितना अवतार हो गया, दो अवतार हो गया, पहले हरि अवतार में पर्वत को लाए और दूसरा बार क्या किया, कुर्म अवतार में पीठ के ऊपर में पर्वत को धारण किए। जब मंथन हुई भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत लेकर के उठे, भगवान का तीसरा अवतार। जब दैत्यों ने छीन लिया, फिर ठाकुर जी मोहिनी अवतार धारण करते हुए, फिर ये देवता को अमृत पान कराया, कितना अवतार हो गया, चार चार अवतार हो गया। देखो इधर भैया लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, बढ़िया करें कथा सुन, जैसे सात दिन में इतने ज्ञान हो जाए आपको, इतने ज्ञान हो जाए, परीक्षित महाराज सात दिन में कथा सुनते सुनते वैकुंठ में चले गए, क्योंकि सात दिन में इनके पूर्ण ज्ञान हो गए हैं, तभी वो वैकुंठ गए हैं। इसलिए आप लोग भी जो कथा सुन रहे हैं ना, देखो कथा सुनने का नियम है, आप जिसको जानते हो कभी पास में मत बैठा, उनको मना करें, फिर आप कथा नहीं सुनोगे, बिना कारण से आपस आपस में बात करते रहोगे। इसलिए कथा सुनने का नियम जिसको जानते हो ना उससे थोड़ी सी अलग हट कर बैठे। देखो ये जो कथा आप सुन रहे हो ये कथा साधारण वस्तु नहीं है, ये भागवत को बताया निगम कल्पतरु गलितम कर, आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, बोले कल्प वृक्ष उससे कहते हैं आप जो कुछ मांगो वो कल्प वृक्ष आपको सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे आप लोग सात दिन की कथा सुनोगे, आप जो कुछ मांगोगे अगर सही सही एक मन से कथा सुनी, जिसका संतान नहीं है भागवत उसे संतान प्रदान करते, जो रोगी है भागवत उसको निरोग करते हैं, जो निर्धन है भागवत उसे धन प्रदान करते हैं,
जो दुखी है भागवत उसको सुख प्रदान करते हैं। आप देखना 7 दिन तक अगर आपने सही सही यहाँ बैठ कर कथा सुनी, एकदम नियम से आप कथा सुनोगे ना, 7 दिन में जो कुछ भागवत से मांगोगे देखना भागवत आपको पूरी करेगा। लेकिन कथा आपको ध्यान से सुननी चाहिए, कथा आपको ध्यान से सुननी चाहिए। इसलिए बताए जो श्रोता है दो तरह का है। देखो या आप लोग याद करना, मैं कल सुना कौन बोल पाता है, आज जो सुन रहा श्रोता कितने तरह के हैं? दो तरह के। मैं कल पूछूंगा जो मेरे को बोल पाएगा ना, ये कदम उड़ाने का था, बढ़िया इनाम दूंगा। बल एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक साधारण श्रोता है। कभी जो श्रेष्ठ श्रोता कहते वो 4 तरह के। पहला नंबर हंस, जैसे हंस का दूध दो देखना वो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। कहते ये श्रेष्ठ श्रोता है जो कथा की सार को तो ग्रहण करे और कथा की असार को त्याग दे। पहला नंबर। बोले दूसरा नंबर, बोले मधुमक्खी। आप देखना ये जो मधुमक्खी भले ही किसी कांटा के वृक्ष में फूल भी नहीं हो, मधुमक्खी वहां भी बैठ करके वो सहेजे सहेजे वहां से ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब है मधुमक्खी जैसे हमें सार सार वस्तुओं को ग्रहण करना। जो तीसरा नंबर है मछली, मछली आप देखे होंगे, देखना मछली का जो आग है ना कभी झपती नहीं, मछली का आग खुली हुई रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले एक मन से, जैसे मछली जैसे अपलक रहने से केवल दूध दूध पानी पानी पीता रहता है, हमें एक मन से कथा सुननी चाहिए। मन को इधर उधर भटका मन को नहीं चाहिए। जो 14 नंबर है बोले चातक। ये एक चिड़िया है, इसकी एक स्वभाव है वो किसी नदी का पानी पीता नहीं, वो किसी तालाब का पानी पिएगा नहीं, वो किसी कुएं का पानी नहीं पिएगा। जब केवल बरसात हो, एक स्वाधीन नक्षत्र का पानी होता है, केवल वही पानी ही वो पीता है। मतलब है पिएंगे तो केवल भागवत रस को ही पान करेंगे, इधर उधर गलती चीजों को हम पान नहीं करेंगे। इसलिए जो श्रोता कितना तरह का हो गया? 4 तरह का श्रेष्ठ श्रोता है। बोले 4 तरह का साधारण श्रोता है। बोले पहला नंबर है भुरुण। एक पक्षी वो रहता है हिमालय पर्वत में, इसकी एक स्वभाव है आप जैसे उसको बोलोगे वो ठीक आपको वैसे सुनाई देगा, लेकिन जब अपना काम करेगा ना उससे पूरा का पूरा उल्टा करेगा। सुनेगा सुनाई भी देगा लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर उतारता नहीं। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर बोले बैल। अब बैल को बढ़िया बढ़िया कोई फल दो नहीं तो घास भूसा दो, उसके लिए सबके सब बराबर है। मतलब भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादार की कोई बात हो, जिसको वो बराबर मानता है उसमें कुछ फर्क नहीं समझता है। तीसरा नंबर है ऊंट। इधर ऊंट है, इधर इधर ऊंट नहीं। ऊंट को देखना कोई कोबल कोबल कोई सुंदर सुंदर पत्ता तो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबूल का पेड़ कहाँ पर जिसमें कांटा हो। मतलब जो भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा लिख करके दुनियादार की बात को जो सुनता है कभी वो ऊंट है। और जो तीसरा नंबर है कभी ये भेड़िया। एक छोटा जाति के जो बाघ होता है वो हिरण को कब हिरण के ऊपर आक्रमण करेगा? हीरा है जब कोई सुलीली शब्द में उसका कान खड़ा हो जाता है। बढ़िया कथा सुने शब्द सुने तो, लेकिन ठीक उसी समय में वो बाघ उसके ऊपर आक्रमण करता है। बोले मतलब याद, बोले मतलब है ऐसे कुछ श्रोता लोग होते हैं जो एक मन से भगवान की कथा को एक मन से सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास में बैठने वाले लोग कथा को सुनने नहीं देते, बिना कारण से उसको साथ में बात करते रहते। तेरे घर में क्या खाना बना था? उसका बेटी ऐसे कर रही थी, उसकी घर में उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसका बेटा ऐसे कर रहा था। कथा सुनते नहीं और पास वालों को भी कथा सुनने नहीं देते। कभी ये साधारण श्रोता, ये सही श्रोता नहीं। बल्कि ये भागवत कथा कितने तरह का? बल्कि ये 4 तरह का ये कथा है।
सात्विक राजसी तामसिक और भोगो, ये चार तरह का भगवान की कथा है। पहला नंबर है सात्विक, इसका मतलब है जैसे एक महीना तक कथा सुने, नहीं तो दो महीना तक कथा सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। उसमें बोले राजसी कथा मतलब बड़ी ठाड़ बाड़ से हमने कथा के आयोजन करवाए, सबको हमने बुलाया, भैया भागवत कथा होगी, कथा सुनने के लिए आओ। लेकिन कभी कभी हम उसमें इतने बिजी हो जाते हैं, कौन क्या खाया नहीं खाया, कौन कहाँ पर रोका, केवल उसी में ही समय को बिता देता है। लेकिन जो असली जो चीज कथा सुनना, वो कथा नहीं सुन पाते हैं, इसको कहते राजसी कथा। ये कथा ठीक नहीं है। बलिया तामस की कथा क्या है, जैसे सात दिन तक कथा रखी, कभी इच्छा हो गया तो बैठे, मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके तो बीच में आए, कभी सुने कभी नहीं सुने, हैं नहीं तो लास्ट में आए, किसी तरह से ये सात दिन को जो बिता देना, इसको कहते तामस की कथा। कभी कथा सही कथा नहीं। बोले भैया कथा सही कथा क्या है, बोले सदा से प्यार श्रीमती भागवती वार्ता। जिसने अपना जीवन को भी संपूर्ण रूप में भगवान की कथा में लगा, रोज घर में नियम करके, गीता हो रामायण हो भागवत हो, घर में नियम करके रोज भागवत को पढ़े, नियम करके ठाकुर सेवा पूजा करे, नियम करके ठाकुर जी की माला जप करे, कभी जिसने अपना जीवन ही प्रभु की भक्ति में लगा, कभी यही कथा सही कथा है। ठीक है ना, अगर कथा अगर ऐसे सात दिन तक आप सुन लोगे, आप देख लेना, जो कुछ आप भागवत से मांगोगे, जो कुछ आप भागवत से मांगोगे, भागवत आपको वही देगा। सात दिन में देखोगे इच्छा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए कथा को बढ़िया से एक मन से कथा सुननी चाहिए। ठीक है, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो प्रभु जी से, उसको बाद में ये कथा कितने दुर्लभ है, उसका कथा देना। बोलो वृंदावन बिहारी नारायण जय। जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम नो डाल डाल यर जन्म किया श्री राधा नाम। बता है वृंदावन कौन बन जाएगा, हाथ उठा के बताए सब लोग जाएंगे वृंदावन, तो वृंदावन में कैसा है, वृंदावन जो भी जाते हैं वो नाचते कूदते भय गाते हुए जाते हैं। तो आइए यहाँ भी सब लोग नाचते कूदते भय वृंदावन में लेंगे, और वृंदावन जाने का कुछ नहीं लगता है, फ्री में। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते, अरे वृंदावन राधे 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 राधे
और बॉम्बे महाराज दिल्ली सुन चले जाते हैं। तो अभी फरीदाबाद से आ रहे हैं दिल्ली के पास, वहां तो बाजार जरूर होगा नाचना, लेकिन यहाँ से आगे क्या नाचना नहीं चाहिए, यहाँ वहां तो हम लोग नाचना क्या, वहां तो भजन जरूर नाचना सुन हम लोग जहाँ जा। देखिए कथा है कीर्तन में, एक संत दूसरे संत से बोले बोले भाई ताली बजाओ ताली बजाओ, आखिर ताली बजा से होता क्या है कीर्तन। एक संत दूसरे संत से पूछा तो दूसरे संत बोले भाई कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती है, जो गड़बड़ गड़बड़ रेखा है वो मिट करके भाकर की रेखा का उदय होता है। एक फायदा, दूसरा फायदा बोले बोले संचालन सही रहता है, और तीसरा बोले पाप निकल जाता है। तो दूसरे से सब बोले भाई पाप निकल कर जाता था, उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। बोले ऐसा है जो कीर्तन में ताली बजा जाते उसका पाप निकल करके उनके सर में बैठ जाता है जो नहीं बजा जाता, ठीक है। इसलिए जब जब कीर्तन है, देखिए कीर्तन में ताली बजाना, कीर्तन में नाचना, ये सब भक्ति का अंग है। जैसे कि मेरा भाई नाचते हुए गाते हुए ये गिरिराज गिरिराज की ध्यान लगा लगा गिरिराज को खोजते थे नाचते हुए। तो आइए सभी लोग कीर्तन में जब जब कीर्तन है नाच सके तो और बढ़िया, नहीं तो ताली
Thank you.
रामचरितमानस में कहते हैं एक बार कृत्या जीव माही
जब शंकर जी की इच्छा होती है भैया हम भी थोड़ा प्रभु की कथा सुन, वो कैलाश से कथा सुनने के लिए कहां आते हैं, इसी मरते रहते जहां पर श्री अगस्त ऋषि का निवास है, उनके चरणों को नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। अब रामायण सुनेंगे, जिस समय शंकर जी सती को लेकर के कथा सुनने आए, कथा सुनने का बाद वो जा रहे हैं, इतने में रावण ने सीता को उठा करके ले लिया। अब प्रभु बड़े विचित्र लीला करते हैं, उस घटघटवासी सब जानते हैं, लेकिन जीव कल्याण के लिए कुछ लीला दिखाते हैं। हासते हासते बोल करके लता पता वृक्ष भ्रमर सबको पूछ रहे हैं, मेरे सीते को कहीं देखते हो? इतने में शंकर जी ने देखा, देखो प्रभु कितने विचित्र लीला है, जो घटघटी में रहने हुए आज प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, इनकी लीला में कोई व्याघात नहीं हो। शंकर जी सती को लेकर के दूर से प्रभु जी की परिक्रमा लगा रहे थे, इतने में सती की शंका हो गई, बोले प्रभु जी आप किसको परिक्रमा लगा रहे हैं, जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व श्री राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम, ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मुझे पता है रावण ने जिस सीता को उठा कर ले गया वो सीता है ही नहीं, वो तो छाया सीता और माया सीता है, असली सीता तो वो अग्नि को पास में उन्होंने शरण में दे दिए। अभी जो नकली सीता कहां पर, भले ये अशोक वाटिका, ये तो मेरे को पता, अगर ये गढ़गढ़वासी होते क्या इनको पता नहीं ये सीता है कहां पर? इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जगत में देखो ऐसे जीव पांच प होता है ना, आप दुनिया को समझा दो लेकिन पांच प को नहीं समझा पाओगे, जानते हो ये पांच प कौन है? पहले पहना लंगड़ा पत्नी, भले ही दुनिया तुम्हारी बात सुनता है लेकिन आप पत्नी को कोई बात बताने के लिए बोले तुम क्या समझाओगे, हम तो पति को हम स्वयं बुद्धि मैं ही देती रहती हूँ, पत्नी को आप नहीं समझा सकते हो। दूसरा बोला अपना पुत्री, दुनिया को पढ़ा लो अपना पुत्री को नहीं पढ़ा सकते, बेटी को बात नहीं सुना सकते हो। तीसरा आपका बोले पुत्र, अपना पुत्र को नहीं समझा सकते हो। बोले चतुर्थ जो पा बोले परिवार, देखना सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनते हैं परिवार तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, अरे हमारे सामने जन्म जन्म इस तरह को क्या पता है। और जो पंचमा पा है ना कहते जो पड़ोसी, इसलिए शंकर जी पार्वती को समझाने के लिए सती को समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती समझी नहीं, बोले मैं लिखी पढ़ी थोड़ी अनपढ़ी हूँ, मैं जब तक परीक्षा नहीं करूंगी तब तक मानूंगी नहीं। तब उन्होंने परीक्षा करने के लिए गए, किस कौन सा रूप धारण करते हुए, माता सीता के रूप धारण करते हुए। जब प्रभु राम समझ गए, जब राम समझ गए फिर शंकर जी के पास में आए, शंकर जी ने पूछा तुमने परीक्षा की, देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाए सीधा स्वीकार कर लो हमने से गलती हो गई, अगर गलती को छुपाना चाहोगे एक गलती के बाद दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथी आगे आगे होती जाएगी। इतने में उन्होंने सत्य ने बोले प्रभु आप जो बोलोगे तभी झूठ बोल सकते हो। इतने में राम ने ध्यान दिए ये कौन सा रूप धारण करते हुए परीक्षा की, देखा मेरी माता की रूप धारण की हुई, सीता का रूप धारण की, शंकर जी मन मन से उनको त्याग देते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शंकर जी को जब कथा सुनने की इच्छा होती है वो कहाँ छोड़ करके आते हैं, छोड़ करके कैलाश और छोड़ करके इसी मर्द जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो और ये भी चीज सिखा दे, जब ब्रह्मा आए ना वो अकेले नहीं ब्रह्मानी को साथ मिला, जब शंकर जी आए अकेले नहीं सती को लेकर के आए, जब देवता लोग आए अकेले नहीं देवियों को साथ में आते हैं, सिखा देते हैं कथा सुनने अकेले बन जाओ। देवियां आए ना अपना पति को लेकर के आए, अगर पति लोग आए पत्नी को लेकर के आए, बोल ऐसे क्यों कहा हम दो दो कर कथा सुनने की मांग, कारण है जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा उसको ऊपर में कथा के रंग जरूर लगे, जरूर भगवान के भजन करेगा भगवान की भक्त को जरूर करेगा। अगर पत्नी आई उसको पता चलेगा भैया ये जीवन कितने दुर्लभ जीवन है, भगवान कैसे हमें 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर देते हैं, ये मानव शरीर ठाकुर बार नहीं देते हैं,
इसलिए राम कहते हैं बेभाग मानस न पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गवा। ये मानव शरीर देवता लोगों के लिए भी ये दुर्लभ है। आप पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं जो करके तुम इंसान बन सकते हो। ये भारत भूमि में हिंदू घर में जन्म ले सकते हो, ऐसे कोई वहां पर कर्म नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाए न जई पर लोक सवारा। ये 84 लाख जन्म में ऐसे एक ही जीवन है, जिस जीवन में प्रभु की भक्ति करते हुए संसार से हम पार हो सकते हैं। अब जब ये जीवन में पता चलेगा क्या करेगा, अगर माताएं कथा सुनने के लिए आई फिर प्रभु का भजन करेंगे, अगर पति नहीं आया तो किसी चक्कर में पड़ गई। जब देखो गीता भागवत माला लेकर बैठी जाती हो, अगर पति लोग आए, अगर ये रहस्य जिनको पता चले आप भी प्रभु का भजन करना शुरू करोगे। पत्नी बोलेगी पहले कभी भी सिनेमा दिखाने जाते तब तो घुमा सिनेमा दिखाने नहीं ले जाओ। जब देखो माला कंठी भागवत लेकर बैठ जाते हो, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों अगर कथा सुनोगे, दोनों का अगर ये रहस्य पता चलेगा तो क्या करोगे? समय मिले तो चलो इधर उधर गंदी गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म नहीं देख करके चलो थोड़ा गीता पढ़ रामायण पढ़ चलो भगवान कथा सुनने के लिए जाए, तो दोनों दोनों को मदद करोगे। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले नहीं, कथा सुनने के लिए दोनों कथा सुनने के लिए आनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कथा कैलाश नहीं कहते भैया बैकुंठ नास्ते रसा। कहती है भागवत कथा बैकुंठ में जन्म लेने पर भी वहां पर ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गया वो गरुड़ जहां बस ए भोसोंडा। ये संसार छोड़कर के जा रहे थे अपना नित्य संकेत धाम में, देखा भैया ये सबके सब यहाँ पर है लेकिन एक व्यक्ति वहां नहीं। बोले कौन? बोले श्री हनुमत लाल। बोले भैया हनुमान जी को ढूंढो जो कभी प्रभु का संग नहीं छोड़ता है। कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अभी सारा दुनिया तो चलने के लिए तैयार है लेकिन हनुमान जी कहाँ? ढूंढो उनको। ढूंढते ढूंढते देखा एक कोने में बैठे करके प्रभु के नाम जप कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रभु का नाम जप कर रहा था। इतने प्रभु ने पूछा हनुमान जी सारा दुनिया अभी संकेत धाम में जाने के लिए तैयार है और तू ये कोने में बैठे हो, तू नहीं जाओगे? देखो हनुमान जी क्या कहता है। बोले प्रभु वहां क्या तुम्हारी कथा मिलेगी? प्रभु ने कहा जब मैं स्वयं वहां पर हूं फिर ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहता है। बोले प्रभु आप जहां पर हो हैं, आप जहां पर हो सकता वो अकेले हो, लेकिन जहां पर आपकी कथा है ना, जहां पर तुम्हारी कथा है वहां पर आप जरूर वहां पर रहोगे, जरूर आपको वहां पर मिलोगे। इसलिए नारद कभी भगवान से पूछे अब कहाँ रहते हो, ठाकुर स्वयं बताए बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनां
हृदय न च मत भक्ता छत्र गायंती तत्र तिष्ठा नारद। हे नारद, दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में रहता हूँ, भगवान कहते मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु फिर कहाँ रहते हो? बोले एक जगह में रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। आप लोग रामायण सुने होंगे, रामायण में सुंदर कथा आती है। बोले जिस समय विभीषण ने रावण को बहुत तरह तरह से समझाया, देखो हम पुल्लक ऋषि के वंशधर है, हमारा ये कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा कर ले जाना, हमारा ये धर्म नहीं है। वो जगदम्बा जगत जननी माँ सीता लक्ष्मी, आप उसको वापस दे दो। इतने में रावण ने मारा लात, विभीषण को लात मारा। इतने में विभीषण ने प्रभु राम के शरण में आए। जब आए इतने में भगवान राम विभीषण को राज तिलक लगा दिया। सुग्रीव ने पूछा, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो अभी? आप पहले से आप विभीषण को राज तिलक क्यों लगा रहे हो? अगर रावण 1% मानो रावण आपके शरण में आ गया, आप उसको राज तिलक लगा करके लंका का राजा घोषित कर रहे हो। अगर 1% अगर रावण आपका शरण में आ गया, फिर रावण को क्या दो? बताओ रावण को क्या दो? देखो ठाकुर इतने बड़ी बात है। देखो अगर 1% अगर रावण शरण में आ गया ना, उसको मैं अपना अयोध्या राज्य दे दूं। बोले अयोध्या कैसे दे दो? अयोध्या को तो भरत को देकर आएगा। अयोध्या को तो भरत को देकर आए हो, पर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को मैं अपना दिव्य संकेत धाम दे दूंगा। दिव्य संकेत धाम दे दूंगा। बोले फिर प्रभु आप कहाँ रहोगे? फिर आप कहाँ रहोगे? देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत तृष्ठा नारद। हे नारद, मेरे लिए किसी जगह की जरूरत नहीं, जहां पर मेरे भक्त जन बैठी करके मेरी कथा करते हैं, भक्तों का हृदय ही मेरे लिए स्थान है, मेरे को कोई राज्य की जरूरत नहीं। भगवान इतने बड़ी बात ठाकुर जी कहते हैं। राम चंद्र की जय 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 श्री राधेश्याम। हाँ देखो ये जगह का नाम क्या है? कैसी कला, केश काल। हाँ देखो केश काल के जो भक्त लोग, आप देखो आप कितने सौभाग्य हो। ये कथा की कितने महत्व है, कितने महत्व है। देवता आपको कथा सुनने के लिए स्वर्ग त्याग देना पड़ता है, ब्रह्मा को कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग त्याग देना पड़ता है, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए उनको कैलाश त्याग देना पड़ता है, गौरव जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ त्याग देना पड़ता है। लेकिन देश कला के जो भक्त लोग आप लोगों को कथा सुनने के लिए अब घर छोड़ना पड़ा आपको? ये कहते कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते हमारी घर को सामने आ गई, हम घर में बैठी बैठी रहे ये कथा गंगा में हमने स्नान कर लिया है। समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो ये भागवत कथा सुनने का आज हमें सौभाग्य मिला है। बोला श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी प्रश्न होता है, भैया हम यहाँ पर 7-7 दिन तक कथा सुनेंगे, कितने कितने घंटा? 2-2, 3-3, 4-4 घंटा सुनेंगे। प्रश्न है हम क्यों अपना बहुमूल्य समय को अगर यही समय को अगर और वहीं लगाते, हमें तो कुछ पैसा मिलता, घर का कुछ कल्याण होता, हमारा कुछ ना कुछ लाभ होता, लेकिन हम 7-7 दिन क्यों लगाएंगे? हम क्यों 3-3, 4-4 घंटा क्यों बैठेंगे? भागवत में राधा रानी स्वयं कहती हैं, भैया ये भागवत कथा में तुम्हें जितने लाभ मिलेगा ना, दुनिया में कोई बिजनेस में तुम्हें इतने लाभकारी हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई बिजनेस करते हो भले ही उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये भागवत कथा रूपी जो बिजनेस है ना, इसमें किसी को अभी तक नुकसान ही नहीं हुआ है।
इसलिए विराह कहती है ना, दीन दीन बड़त सवाय पायो जी में राम रतन धन पाय। कभी ये बिजनेस में अभी कोई फेलियर नहीं हुए, सब पे सब सक्सेसफुल हुए। इसलिए राधा रानी एक श्लोक में कहती हैं, अगर ये कथा सुनोगे तुम्हें आठ आठ लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा? आठ। अभी मैं बताऊंगा आठ लाभ क्या है, और कल आपसे मैं सुनूंगा मैंने क्या बताया था, ठीक है ना? ऐसी कथा सुनो जैसे सबको याद कर लो, सात दिन में पंडित बन जा सकते सब, ठीक है? मैं कल सुनूंगा आपसे आज मैंने क्या बताया। देखो राधा रानी क्या कहती है, कृष्ण जब रासों से अंतर ध्यान हो गए, ब्रज गोपियां ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर मिले नहीं, श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर चले गए। राधा रानी की मां आकर राधा जी को भी त्याग दिए। जब गोपियां आई उसी समय में बोले देखो उनको ढूंढो मत, उनको कीर्तन सब सबको प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठे करके हम उनका कीर्तन करेंगे। वो कीर्तन करते करते एक श्लोक कहते हैं, बोले तब कथा मृता जब तक तुम्हें ये अनुभूति नहीं होगी, ये जन्म मृत्यु का चक्कर से मैं निकल करके ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त नहीं कर गया, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ तब कथा अमृतम। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। आप लोग सुने होंगे अमरनाथ, कोई कोई गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए हो? हाँ, देखो एक प्रभु जी गए। जो लोग अमरनाथ गए ना, अभी भी वो स्थान है शंकर जी जहाँ पर माता पार्वती को बैठा करके ये अमर कथा समझे। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा है। बोले क्यों वहां पर कथा सुनाए? बोले एक दिन श्री नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे, उसी समय श्री भोले बाबा गए थे भगवान की कथा सत्संग में गए थे, घर में अकेली मैया पार्वती थी। इतने में मैया पार्वती नारद जी को पूजा करके बैठाए। अभी नारद जी की इच्छा है ये भागवत ग्रंथ कैसे पास हो। पूछे माता जी आप ठीक ठाक हो बेटा? हम तो बढ़िया से। बोले कैसे बढ़िया हो? बोले देखो वही पत्नी सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, इसलिए शंकर जी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम कैसे करते हैं? बोले कपड़ा लत्ता खाना पीना दे करके नहीं। जब शंकर जी कहीं सत्संग सुन करके आते हैं सबसे पहले मेरे को नाते हैं। इसलिए आप जितने पुराण पढ़ो, जितने पुराण आप पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ो, देखो शंकर ये सुना रहे हैं और माता पार्वती बैठे तो सुनती है। सारे ग्रंथ शंकर पार्वती के संवाद है। मेरे को बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं। लेकिन नारद जी की इच्छा ये भागवत ग्रंथ प्रकाश हो। बोले देखो माता जी, शंकर तो आपका सब कुछ सुनाते हैं,
लेकिन जो अंदर की बात हमें सुनाते बोले नारद जी आगे बढ़ना, मेरे को पता है तू जहाँ जाते है ना सब झगड़ा लगाते हैं, हम कहते ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो भैया आगे मत बढ़ा करो। बोले नहीं माता जी मैं सच सच बता रहा हूँ, आप ये बताओ शंकर जी की कला में एक मुंड की माला देखे हो? बोले हाँ देखी है। बोले बता सकते हैं वो मुंड की माला किसकी? शंकर कभी बताए? बोले नहीं। बोले इसलिए तो बोल रहा हूँ खाक प्रेम कर रहे हैं, केवल तुमको ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं। ये बात तो सही है, शंकर जी ये बात क्यों नहीं बताए? बस भैया पार्वती का दिमाग चकरा गई। बोले देखो शंकर जी सहज में ये बात नहीं बोलेगी, एक काम करो जब शंकर जी आएंगे ना रोज माता जी चरण धोते हैं, चरण धोकर लेती हैं, पास में बैठ करके गर्म गर्म रोटी खिलाती हवा करती हैं। बोले जाओ भवन में लेट जाओ, तीन बार कसम खिला करके बोलना बस। मैया का दिमाग घूम गया, मैया के मान करके मान भवन में चली गई। जब शंकर जी आए आज स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं, इन्हें भी देखा माता जी मान के सुलेट हुई, शरीर पर हाथ रखते ही मैया पार्वती हाथ को फेंक दी। बोले आप जैसे ऊपर से भोले थे ना वो अंदर में बड़े कपटी बाबा, भोले बाबा नहीं कपटी बाबा। बोले भैया ऐसे क्या बात है? बोले आप तो मेरे को ऊपर ऊपर की बात बताते अंदर की बात बताते नहीं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले तीन बार कसम खा मैं नारद जी की कथा चली हूँ। शंकर जी बोले मैं तो यही सोच रहा था, मैं आते समय नारद जी जा रहे थे, मैंने बोला भैया रुको वो रुके ही नहीं। बोले आज बड़े जल्दी में हूँ, मैं समझ गया ये कुछ गड़बड़ी करके आएगी नारद जी, मैं समझ गया पहले से ही। इतने में शंकर जी तीन बार कसम खाए। बोले बताओ आपकी गले में जो मुंडक की माला है? बोले ये तुम्हारी मुंडक की माला? बोले मेरे मुंडक की माला कैसे आ गई? मेरा सर तो मेरे शरीर में आपकी गले में कैसे आया? बोले सर पार्वती तेरे को याद नहीं पहले जन्म में तुम्हें सती थी, एक बार तुम्हारे पिता मेरे को अपमान किए कन्हल में, मेरे लिए कोई भाग नहीं रखा इसलिए तू दुखी होकर के शरीर को त्याग दिया। बोले एक जन्म नहीं कितने जन्म से तुम ये शरीर को त्याग देते हो और तुम मेरी बड़ी प्यारी हो, इसलिए जब जब तुम शरीर त्याग देती है तब तक मैंने अपना गले में तेरे मुंडों को माला पहना करके मैं पहन लेता हूँ। बोले प्रभु पहले मैं तो सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी होंगे, अभी देखता हूँ सबसे बड़ी कपटी आप निकले। बोले क्यों? बोले ये बताओ आप ऐसे कौन सा अपर बोटी को आपने पान किया आप मर नहीं रहे हो, हमें मरती जा रहे हैं, आपने ऐसे कौन सा हमारी बोटियों को पान किए? बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैंने अमर बनी। बोले प्रभु मेरे को भी अमर कथा सुना दो। बोले पार्वती जहां तहां ये कथा नहीं सुना सकता हूँ, चलो हम तुम्हें अमरनाथ लेकर ले चलता हूँ, वहीं पर बैठे वृक्ष के नीचे ये अमर कथा मैं तेरे को सुनाऊंगा। शंकर जी पार्वती वहां ले गए। बोले पार्वती मैं आंख बंद करके ये कथा सुनाऊंगा तो हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कथा सुन रहे हो। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जयकार लगाए। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम। एकादशी कल है, आज व्रत नहीं कल एकादशी है, पहले से आपका जयकार नहीं निकल रही, जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय हो। इतने में शंकर जी कथा सुनाते जा रहे हैं, मैया पार्वती हुंकार भरते जा रहे हैं, बड़ी प्यारी कथा आगे क्या हुआ, बड़ी अच्छी कथा आगे सुनाओ। शंकर भोले बाबा सुनाते जा रहे हैं। इतने में जब उन्होंने कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए गए, इतने में मैया पार्वती सो गए, हुंकार भरना बंद हो गया और उसी वृक्ष के ऊपर में तोता बैठ करके सुन रहा था। उसने देखा मैया तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, अभी माता जी शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तोते भी हुंकार भरते रहा आगे सुनाओ, उसको आगे क्या हुआ, बड़ी प्यारी कथा शंकर जी सुनाते सुनाते ही जा रहे हैं। जब कथा समाप्त हो गई फिर शंकर जी जयकार करते हैं, बोले जय जय श्री राम।
हो, हम भी इसलिए बीच बीच में जयकार देते ही आपको भी नींद नहीं आ जाए। देखना अब दुनिया की कोई बात सुनना, उसकी बेटी ने ऐसे की, उसको बहू ने एकदम कान खड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई भगवत संबंधी तब तो समय की कथा सुनो, नींद आ जाती है। देखो नींद आने के क्या कारण है, बोले श्री जब महाराज की तीन बेटियां थी, एक दिन जब महाराज बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे, बेटियों ने पूछा पिताजी क्या बात है आप दुखी होकर क्यों बैठे हो, बोले क्या बताऊं, इसी जगत में संत लोग आकर के सबको कथा सुनाते सुनाते ज्ञानी बना देते हैं, सबके सब प्रभु के भजन में लग जाते हैं, अब भजन करके सीधा वैकुंठ, अभी धीरे धीरे मेरे नरक खाली हो रहा है, बोले प्रभु बताओ ना आपकी हम तीन तीन बेटियां क्या सेवा करेंगे, बोले देखो सब छोटी बेटी बोले तुम्हारा नाम है झिमझिमान, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठे ना तो पहले नंबर पर उसका सर पर बैठ जाना, अपने आप झूमने लग जाएंगे, अपने आप जहाज आने लग जाएगी, दूसरे बेटी का नाम है झुलझुलानी, बोले तीसरे नंबर में दूसरे नंबर में तुम बैठ जाना फिर तो झूमने लग जाएगा, और तीसरी बेटी का नाम है सुलझुलानी, जब तुम बैठो ना पूरा हाथ पैर फेंक कर सो जाए, बस कथा खत्म। इसलिए आप लोग जब कथा सुनो ना सावधान से पढ़ रहे हो, ठीक है, इनकी तीनों बेटी से सावधान रहो। इसलिए अब देखो माता पार्वती भी कथा में सो गई, जब सो गई इतने में ही तो तोता कथा सुन रहा था, जब कथा समाप्त तो हो गई शंकर जी जयकार दिए, इतने में मैया पार्वती की पीठ खुल गई, बोले उसको बाद में किया होगा, बोले किसको बाद में, कथा तो समाप्त हो, बोले मैं बीच में सो गई थी, बोले सो गई कब, अभी तो हुंकार भर रही थी, बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी, शंकर जी ने देखा ये अमर कथा है, अगर ये कथा को जो सुने वो अमर बन जाएगा, इसलिए आप भगवत गीता को पढ़ो, जब कृष्ण अर्जुन को ये सारे ज्ञान की बात बताते हैं, लास्ट में कहते अर्जुन ना अभक्त आए कदाचन, ये कथा अभक्तों को ये कथा नहीं सुनानी, कपिल देव जब अपना माँ को ये ज्ञान की बात बताए अंत में यही कहते, बोले माँ ये कथा नहीं मैं स्वयं हूं, जिसकी अंदर में श्रद्धा हो मेरी पति उनको ही ये कथा सुनाना, सब कथा नहीं सुनाना, इसलिए कथा नहीं ये अमर कथा है, अगर जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा, अगर दुष्ट लोग अमर बन गए ये दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी को क्रोध आया, किसने ये ब्रह्म ज्ञान को चोरी की, देखा वो पेड़ को आड़ में बैठ करके तोता सुन रहा था, शंकर जी उसको पीछा किया, तोता भागते जाए तोता भागते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तोता उड़ते उड़ते पहुंचा भद्रिका आश्रम पर, वहां पर व्यास देव जी अपना पत्नी बिटका को यही अपर कथा सुना रहे थे, इतने में बिटका भी भगवत प्रेम में जब ले रही थी, इतने में तोता ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में चला गया, शंकर जी देखा तोता तो यही उड़ते उड़ते आ गया, गायब कहां हो गया, इतने में व्यास देव जी ने पूछा शंकर जी आप कहां से भागते भागते आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, बोले ये कथा का नाम क्या, बोले अमर कथा, बोले जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा, फिर आप तो पीछा कैसे मारने के लिए कर रहे हो, बोले सचमुच से आप भोले ही हो, इतने में शंकर जी को याद आया भैया बात सही, ये अमर कथा की कथा सुन ली अमर बन जाएगा, फिर मारने के लिए पीछा कैसे कर रहा हूं, फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण तोता होता तो कभी ये कथा नहीं सुन सकता, ये जरूर ये तोता कोई विशेष तोता, शंकर जी ध्यान लगाए तोता को नहीं, बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। शंकर जी ने देखा जैसे भगवान का जब ये दुनिया छोड़कर गए सब को लेकर गए, लेकिन केवल श्री हनुमत लाल को रख कर गए, बोले क्यों, बोले जगत में राम भक्ति को कौन प्रचार करेगा, ठीक उसी तरह जब श्री प्रिया प्रियतम जगत में आए गोलोक वृंदावन से, जो तोते को भी गोलोक वृंदावन से लाए, इन्होंने ठाकुर जी के सारे लीलाओं को देखे, जब ठाकुर जी ये दुनिया छोड़कर जा रहे थे राधा कृष्ण, ये तोता भी तैयार हुआ, प्रभु ने कहा अगर तुम चले जाओगे तो मेरे भक्ति
को जब कौन प्रचार करेगा, प्रभु ये तोते को रहते गए, यही तोता ही बड़ा दुखी होकर के भटक रहा था। जब अमरनाथ में गया संकट से कथा सुने, वही सुखी तोता ही ब्याज पत्नी की गर्भ में प्रवेश करते हुए वही सुखदेव गोस्वामी रूप में आएंगे जगत में। ये भागवत कथा प्रचार करें शंकर जी, सब कुछ दर्शन किए समझ गए, फिर शंकर जी प्रणाम करते हुए वहां से चले। देखो ये कथा सुनने का कितने महत्व है। स्वयं शंकर जी स्वयं कहते हैं जो सत्यम शिवम सुंदर, वो स्वयं कहते हैं यही भागवत सुन करके ही मेरे को ये अमृत तो प्राप्त हुई। माता सती भी यही कथा सुन करके, जब तक ये कथा को नहीं सुनी तब तक शरीर को त्याग दी, लेकिन जब ये कथा को सुने तब से अमृत की प्राप्त हुई। तब समझो ये भागवत कथा की कितने महत्व है। इसलिए राधा रानी कहती है ये कथा नहीं, ये कथा क्या है, तव कथा अमृतम। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी जो कथा को सुनेगा वो अमृत की प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भी कथा सुनोगे ना, आप भी अमर हो जाओगे। बड़ा श्रीमद भागवत कथा अमृत की जय हो। भोलानाथ से कोई और नहीं, भोलानाथ Oh,
गोपियां कहते हैं कथा सुनने का जो पहला लाभ है जो सुनेगा उसको अमृत प्राप्त होगी। दूसरा लाभ क्या है? प्रताप का जीवन। कल हम सबको पूछेंगे, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है, सब ध्यान लगा सुन। कथा सुनने का पहला लाभ अमृत की मिलाई, दूसरा लाभ प्रताप का जीवन। ये संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी 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 संसार। इसलिए गोपियां कहती हैं कि जितने दुख है ना, ये सारे दुख तुम्हारी समाप्त हो जाएंगे। लिखा बोले जब ये भगवान की कथा सुनेंगे, ये तब जीवन। तो तीसरा जो लाभ है बोले कभी भी रेतम। कहती कथा को बोलने वाले कौन है? बोले साधारण नहीं। इसलिए भागवत को बताया ये चतुर्श्लोकी। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ब्रह्मा को चार श्लोक उन्होंने प्रदान किया। ब्रह्मा जी इसी श्लोक का जो व्याख्या है ये संपूर्ण भागवत है। ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास को दिए, व्यास श्री सुख को दिए, सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित सुतो गोस्वामी को दिए, फिर उन्होंने सौनता ऋषियों को दिए। तब ये गुरु परंपरा रूप में ये भागवत इसी जगत में आ रही है। इसलिए कहती जो कथा को बड़े बड़े ऋषियों को जिसको दान करते हैं, बोले चौथा लाभ क्या? बोले कल्प सा अपहम। ये जीवन में दुख कष्ट क्यों आता है? बोले पूर्व जन्म का कर्म का फल हम भोग करते हैं, लेकिन अगर कोई कथा सुनेगा तुम्हारी पूर्व जन्म का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। बोले पंचमा लाभ बोले श्रवण मंगल। जो ये कथा को श्रवण करेगा उसको मंगल मंगल ही होगा। इसलिए हमारे गुरु जी ये कथा सुनाते थे, जैसे आपको पता नहीं भागवत कथा क्या होता नहीं होता, अब कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप अनजान में कहीं कथा में बैठ गए, आपको पता ही नहीं कथा है क्या। देखो इसकी कितना महत्व है। बोले कोई एक फेरी वाले फेरी का काम करते करते अपना गांव से बड़े दूर चला गया, देखा आज हम वापस आज नहीं जा सकते, पूछा यहाँ पर कहीं रुक सकते हैं? बोले हाँ एक भागवत टोली वहीं पर रुको। जब रुकने के लिए गया गांव का नियम था, रोज रोज वहां पर हरि कीर्तन और एक संत एक घंटा कथा सुनाते। जब वो सोने जा रहा था, देखा वहां पर कीर्तन और भगवत कथा शुरू हो गई। उसने सोचा जब सबसे सब कथा सुन रहे कीर्तन कर रहे, फिर बीच में सोए कैसे? इच्छा नहीं रहने पर भी उसने एक घंटा किसी तरह से कथा सुना। जब सात दिन के बाद में मृत्यु आई, जब उनका मृत्यु आई उसको पकड़ करके ले गए जब महाराज के पास में, चित्रगुप्त को बोले इसका देखो पुण्य कितने पाप है। बोले महाराज इसका पाप ही पाप, कोई पुण्य है ही नहीं, ये तो झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया परिवार को पाले। बोले देखो थोड़ी बहुत नहीं पुण्य तो होगा, बोले थोड़ी सी एक पुण्य है। फेरी का काम करते करते इसी गाँव में पहुंचा था और वहां पर एक घंटा कीर्तन हरि कथा में केवल बैठा और जो कथा सुनी उसे बेमन से कथा सुना, किसी तरह से टाइम पास करना कथा सुनकर तो कोई लाभ है? उन्होंने एक घंटा केवल उन्होंने कथा सुनी, केवल इतना ही पुण्य है उसको। बोले देखो तो पहले पाप लोग ना पुण्य लोग, एक घंटा केवल कथा सुने और बेमन से, इसलिए तेरे को एक घंटा केवल स्वर्ग मिलेगा, फिर तू नरक जाओगे। बताओ तो पहले क्या लोग? बोले भैया जो पुण्य एक घंटा स्वर्ग भोगा लो। अब उसको स्वर्ग भेज दिए, वहां पर जो दरबार थे उनको बोले देखो ये हमारी आशा नहीं, एक घंटा स्वर्ग भोगा कर उसको वापस भेज रहे। जब स्वर्ग में उसको ले गए वहां पर ब्रह्मा उर्वशी मेनका वहां अमृत पान कर रहे सब के सब, लेकिन उसको पता एक घंटा बाद नरक में जाना। देखा एक एक कोने में कोई नहीं जा रहे, वो उस तरफ में गए तो देखा वहां चतुर्सेन है। अब वहां पर भगवान वामन देव इंद्र का छोटा भैया उपेंद्र, देखा वहां पर भी हरि कीर्तन हो रही थी, वहां पर भी हरि चर्चा हो रही थी। उसको याद आया कि चित्रगुप्त ने कहा मैंने एक घंटा कहीं अनजान में कहीं हरि चर्चा
हरि कीर्तन में बैठे लिया था, इसलिए मेरे को ये स्वर्ग मिला। भैया यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी कथा, यहाँ भी सत्संग हो रही। अगर यहाँ पर और एक घंटा बैठ जाऊंगा तो मेरे को दो घंटा स्वर्ग हो जाएगा, इसलिए वहां बैठने को भी कीर्तन और प्रभु की कथा सुनने लगा। लेकिन जब एक घंटा हो गया, इसको जो जमदूत पकड़ करके ले गए थे वहां पर दरबार में, पूछे भैया हमारा आश्रम को वापस दो, एक घंटा हो गया यहाँ पर। उसने ढूंढते ढूंढते जा करके देखा, वो तो प्रभु की कथा में बैठे हुए, वो प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। देखो जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हैं ना, आपको पता है कहाँ बैठे, आप ठाकुर जी की गोद में बैठे, बाकी बिहार की गोद में बैठे हो। अगर इसी समय में इसकी मृत्यु जाएगा, जब तक ये पंडाल से बाहर आप नहीं जाते हो ना, आप मर नहीं सकते हो। तो ये भगवान और भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं, इसलिए वहां पर गया, उसने देखा ये तो कथा में बैठा हुआ, ठाकुर का कीर्तन में बैठा हुआ, ठाकुर जी की गोद में बैठा हुआ ये व्यक्ति, वो उठाकर ले नहीं सका वहां से। बोले भैया उसने और एक घंटा कथा सुनी तो उसको दो घंटा स्वर्ग हो गया, अब कैसे ले जाऊंगा। बोले तो बड़ा चालाक निकला, फिर दो घंटा तक इंतजार किए, लेकिन उसने जब देखा कोई लेने के लिए आ ही नहीं रहे, वो समझ गए भैया ये कथा कुछ असर पड़ रहा है। वो खड़ा क्या हो गया, अच्छा तरह से बैठ गया, यहाँ से हमको बैठना नहीं, उठना नहीं यहाँ से, नहीं तो हमें नरक ले जाएगा। बोले कथा सुनने का लाभ क्या है, श्री कृष्णं तथा पुण्यास्तवण कीर्तन। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी कान को माध्यम से हृदय में जाते हैं। अगर हृदय में कोई हमारी काम क्रोध लोभ हो, उस ठाकुर जी हटा करके उसके हृदय में ठाकुर जी बैठ जाते हैं। वो कथा सुनते 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 उसको सब पाप नष्ट, सीधा वैकुंठ से रथ आया और बैठ कर सीधा वैकुंठ चले गए। देखो एक व्यक्ति अनजान में, उसको पता ही नहीं ये कथा होती क्या, एक घंटा केवल अनजान में कथा सत्संग में बैठ गए, उसको भगवत दर्शन है। इसलिए गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ना, ये श्रवण मंगलम, श्रवण करने से उसका मंगल ही मंगल है। बोले छठवां लाभ किया, बोले श्री, श्री मतलब होता है लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी कहाँ रहती है, बोले ठाकुर के चरण में रहती है। जो कथा सुनेगा ना, माँ लक्ष्मी की भी बड़ी उस पर कृपा होती है। और जो सतम लाभ है, बोले दा मतलब होता है संसार की बंधन, जो ये कथा सुनेगा संसार का बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए गोपियां कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, हे श्याम सुंदर जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, वो दान दान भी है। लेकिन राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर ये भागवत कथा जो दान करते हैं, इससे बड़ा दान पृथ्वी में कुछ नहीं हो सकती। कहते भोरी दाय जना, जो व्यक्ति ये भागवत दान करते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा दान है ये कथा जो दान करते हैं। इसलिए हमारे श्री गिरिराज कुमारी, हमारे दीदी जी, पहले भी उन्होंने कहीं भागवत कथा करवाया है, और देखो इस साल भी उन्होंने भागवत कथा करा रहे हैं। देखो लोगों को पास में तो बहुत पैसा होता है, बहुत बहुत पैसा लोगों के पास में, लेकिन ठाकुर जी जिसका वस्तु ग्रहण नहीं करते है ना। जब कृष्णा दुर्योधन के घर में गए, दुर्योधन ने छापान भोग और छछे से व्यंजन बनाकर रखा था, कृष्ण देखे भी नहीं। ठाकुर जी सुदामा जी के घर में गए, ठाकुर जी विदुर जी के घर में गए, और ठाकुर जी वहां साग भाजा केले की छिलका ठाकुर जी वहां पर ग्रहण किए। इसलिए भगवान जब तक इससे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, भले ही हमारे पास में बहुत कुछ क्यों नहीं हो, वो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। इसलिए समझो गिरिराज कुमारी दीदी ने जो भागवत कथा करा रहे हैं, समझो ये बहुत बड़ी दान ये कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ कितने तक कौन कथा बोल रहे हैं,
कितने समय तक कथा करते हैं? कितने तक आप लोग बैठ सकते हो कथा सुनने के लिए? कितने समय तक? हाँ, कितने से कितने तक कथा? एक एक से लेकर के कितने? छह बजे तक? इतना कोई नहीं बैठ सकता। हाँ, आप लोग बताओ कितने से कितने तक हो कथा आप लोग सुन सकते हैं? ठीक है, दो से दो, तीन, चार, पांच, साढ़े पांच, ठीक है ना। बहुत अच्छे बज जाएगा दीवार में, इसलिए दो से लेकर के साढ़े पांच तक ये कथा है, ठीक है ना। अगर आप लोग एकदम टाइम से आओगे, देखो हमारे गुरु जी कहते थे, जब जब आप आओ ना, एक एक भक्त दस भक्तों को लेकर के आओ। एक एक व्यक्ति कितने कितने लोगों को लेकर आओ? दस दस भक्तों को लेकर के आओ। हमारे गुरु जी कहते थे, अगर इसको आप कथा में लेकर के आओगे, उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वाले को उसको आधा पुण्य मिलेगा, जो लाएगा दूसरों को, अगर 10 व्यक्ति को लेकर के आएगी ना, उनको जितने पुण्य मिलेगी उसको आधा हिस्सा लाने वालों को मिलेगा। इतने इसकी महत्व है, इसीलिए आप लोग बताओ तो कितने तक कथा हो तो आप लोग आसानी से सुन सकते हो। आप लोग बताओ, आप लोग सबके सब आप लोग बताओ। 5 बजे तक, ठीक है, ये करते 5 बजे तक। और आप लोग कितने बजे तक करेंगे? 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक, डेढ़ से पांच, ठीक है, डेढ़ बोलोगे तो फिर 2 बजे आएगा, इसलिए डेढ़ बोलोगे तो फिर 2 बजे आते हैं, इसलिए डेढ़ से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है ना। जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव हो सकता है, थोड़ी समय थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लेस वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज थोड़ी सी ज्यादा समय ले लेंगे हम, आज एकादशी है। देखो भागवत में, कल एकादशी व्रत है, भागवत में दो पुराण में की कथा की महिमा आती है, एक पद्म पुराण, एक स्कंद पुराण। तो पद्म पुराण में दो कथा आती है, एक तो आती है ज्ञान और वैराग्य कथा। जब भक्ति देवी, जब वो वृंदावन में आई, ये भक्ति देवी तो जुगती बन गई, लेकिन उनके दो बच्चे थे, ज्ञान और वैराग्य, ये हो गए बूढ़े। बोले क्यों बूढ़े हो गए? भक्ति क्यों जुगती हो गई? बोले जो वृंदावन धाम है वो साधारण धाम नहीं, ये राधा रानी की हृदय है। इसलिए आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो? हाथ उठा तो वृंदावन कौन कौन गए? हम लोग वृंदावन गए नहीं, एक दो भूमिया गए हैं। आप देखना वृंदावन में, वृंदावन तो कृष्ण का धाम है, देखना वहाँ किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते नहीं मिलता। जानते हो वहाँ पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, वृंदावन में सबसे सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि वृंदावन जो धाम है वो राधा जी की हृदय है। इसलिए जहां पर भक्ति नृत्य करती है, कहते ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृतत सुरभि रवि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रमसे भगवानं गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। जो वृंदावन धाम है, जहां पर भूमि नहीं वो चिंतामणि, जहां पर वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष, जहां पर पानी नहीं जहां अमृत है, जहां पर चलना नहीं वो नाचना है, जहां पर बोलना नहीं वो भगवान की भजन है। इसलिए वहां पर भक्त देवी आकर के एकदम बन गए जवानी। हरे कृष्ण पानी देने वाले माता जी, माता जी जो पानी दे रही ना, तभी पानी देना जब कीर्तन हो, कथा को बीच में पानी नहीं देना, ठीक है, जब कीर्तन हो तभी पानी लेकर जाना। इसलिए वृंदावन में भक्ति देवी आकर युवती हो गई, लेकिन उनको जो दो बच्चे थे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों हो गए बूढ़े। बोले बूढ़े क्यों हो गए? बोले जो वृंदावन धाम है, बोले भक्ति की धाम ही है, यहाँ पर कोई ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला नहीं, इसलिए ये ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। अभी प्रश्न है, ये भक्ति के दो बेटे कैसे हुए?
ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे कैसे होंगे, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल प्रेम को द्वारा ठाकुर जी मिलते हैं, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य के बेटे कैसे होंगे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो ज्ञान है ना, ये भक्ति युक्त ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति को जो बढ़ाने वाले, कि जो वैराग्य है, जो प्रभु को प्रेम को बढ़ाने वाले वैराग्य, ये शुष्क वैराग्य नहीं। इसलिए भक्ति करना हो कहते हमारे दो बेटे होनी चाहिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य हो, नहीं तो भक्ति तो भी रोती रहेगी, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य को जवानी कैसे मिलेगी। केवल भागवत कथा से नारद जब कानों में वेद वेदांत पुराण उपनिषद को सुनाए, गीता तक भी सुना, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुई, चेतनता नहीं हुई, लेकिन उनको पूर्ण जवानी का मिली जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, उन्होंने चतुर्सर से जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार में कथा सुने, जिस समय ये कथा प्रारंभ होने जा रही थी, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हुए, स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार कर रहे थे, दुंदुभी संत नाद कर रहे थे, सारे देवता लोग भागवत कथा की जयकार की, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय हो। तो इसका मतलब है अगर कहीं ये भागवत कथा हो ना, कहते देवता लोग भी प्रसन्न होकर वो भी जयकार देते हैं, ये भागवत कथा की इतने महत्व है। वहां तक तो जितने ऋषि मुनि जितने देवता भी कथा सुनने के लिए आए, जितने नदियां भी कथा सुनने के लिए आए, विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे लोग सबसे सब कथा सुनने के लिए आए, लेकिन जब कथा सुनाए चतुर्सर ने कथा की इतने प्रभाव की, गोलोक वृंदावन से प्रिया प्रियतम प्रकट हो गया, अपना सखियों के साथ में श्री नारद जी बिना बजा रहे थे, अर्जुन पखवाज बजा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर से नृत्य कर रहे थे, कथा की इतने प्रभाव थी, वो जितने लोग कथा सुन रहे थे सभी के लिए गोलोक वृंदावन से रथ आया। यहाँ तक भी कथा के प्रभाव से वहां पशु पक्षी कीड़े मकड़ तक भी भगवत कथा से उनको भी मुक्ति मिल गई, इतने कथा की महत्व थी। तब श्री चतुर्सर को नारद जी प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिलती है, क्या कथा सुनने के लिए मुक्ति मिले। बोले भैया जब भगवत कथा सुन करके भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेत योनि में कोई पड़ा हुआ उसको मुक्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने गोकर्ण बंधुकारी कथा सुना, कैसे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण थे, सब चीज में परिपूर्ण था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं, संत अनेक ब्राह्मण रूप में आते हैं, उन्होंने समझाया बेटा संतान से सुखी नहीं होते हैं, तुम्हें सुना है सगर महाराज के नाम 10,000 बेटे पे कभी सुख नहीं मिला, तुमने चित्रकेतु महाराज के नाम सुने जिन्होंने शादी को बाद में शादी 1 करोड़ जिन्होंने शादी की, संतान हुआ तो इतने दुखी इतने दुखी हुए, लास्ट में उन्होंने भजन करने के लिए गए, बेटा भजन कर सुखी हो गए, वो बात ही नहीं सुना। बोले ले मैं तो देख रहा हूं तेरा 7 जन्म तो कोई बचा ही नहीं, जब बात नहीं सुना वृक्ष से के फल लेकर के मंत्र पुत्र करके दे दिया अपना पत्नी को देना, बोला गीता भागवत पढ़े झगड़ा नहीं करे अपूर्व सुंदर एक बच्चा जन्म ग्रहण करेगा, लेकिन वो धुंधलापन वो संत का वस्तु कारण ग्रहण करते हैं, उसने तो बड़ी दुखी हो गई, उसको सहेली ने बोली चिंता क्यों करते हो, तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा, मेरे पति को पास में पैसा नहीं, कुछ पैसा दे दे और गैया को इसको खिला दे, हाँ? बाबा को दिया झूठना सच है, गैया को खिला दो, पेट में बड़ा बांध करके सो रहे हो, मेरे घर में जब बच्चा होएगा छुपा करके तेरे घर में दे जाऊंगी, चिंता क्यों करते हो। ठीक उसने जैसे की पंडित बड़ा खुश, घर में बेटा हुआ लाला भय हुए, पंडित खूब नाचे, लेकिन ये भगवान की देन है, जब तक गर्भ में संतान नहीं हो तब तक तन में दूध नहीं उतरती। पंडित से बोले मेरे दूध नहीं उतर रहा है, भैया मेरे को क्या पता है, बोले मैंने सुना मेरे सहेली की गर्भ में भी बच्चा हुआ, अगर बोलो वही बच्चे को लालन पालन कर, कोई बात नहीं अभी जिसका संतान कोई लालन पालन कर रहे हैं, उधर क्या हुआ
फल संत का दिया हुआ कभी नष्ट होगा ही नहीं। उन्होंने खिलाया गैया को जो गैया बांझ थी, लेकिन उसने एक अपूर्व संतान जन्म दिया। क्या सुंदर संतान, सारा शरीर राजकुमार जैसे, केवल कान केवल गैया जैसे, बड़ा सुंदर। दुनिया देखने के लिए आए, ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं ठाकुर जी छपर फाड़ करके देते हैं। देखो कैसे ठाकुर जी छपर फाड़ करके देते हैं। बोले एक समय वो पति पत्नी बड़े भक्त है। एक दिन उसका पति कहीं शौच क्रिया में गया था, जब उन्होंने मिट्टी उठाया देखा वहां पे ढक्कन, ढक्कन को खोला तो देखा एक सुंदर कलसी जिसमें हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ। बोले राम राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए, ढक करके आ गया। पत्नी से बोले सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गई, मैं जब मिट्टी हाथ करने गया ढक्कन खोला तो हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ एक कलसी मिला है। इतने में उसको घर को पीछे कुछ चोर चोरी करने के लिए आया। बोले भैया बड़ा बेवकूफ है, सोने हीरे जवाहरात का कलसी छोड़ देता आ गया। अच्छा हुआ हम सो गए, हम जाकर ले आते। जब वो चोर गुंडे लोग गए, जब ढक्कन खोलाना देखा उसमें जहरीले सर्प और बिच्छू और ततिया से भरा पड़ा हुआ। बोला अरे ये तो बड़ा बदमाशी, ये हमें मरवाने के लिए ऐसे बोला। चलो ये कलसी को लेकर उसको घर को पर फेंक दिया। लेकिन उसमें क्या भरा पड़ा था? हीरे जवाहरात। क्यों? ये दुष्ट थे इसलिए उनको जहरीले सर्प दिए। वो संत था, वो कलसी को लेकर छत के ऊपर में गए और करत से उसको काटे, छत को काट करके और ऊपर से फेंके घर को। एक आतो इतने मिट्टी तो फूट गई और हीरे जवाहरातों से घर भर गया। इतने में वो कहते हैं ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं कैसे देते हैं? छपर भार करके देते हैं। बोले भैया हम तो उसको छोड़ करके आ गए थे, अच्छा हुआ जब ठाकुर की इच्छा से आ गए। रोज भंडारा करो और संत खिलाओ, साधु संतों को रोज ठाकुर को सेवा में लगा। अभी सारा दुनिया देखने के लिए आए, उनके घर में गैया भी एक सुंदर बच्चा जन्म दिया। अभी धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। एक होता है नामकरण संस्कार। देखो आप लोग ध्यान से सुनो, जब कोई बच्चा जन्म होना अपना मन मर्जी कोई नाम नहीं रखनी चाहिए। टुनो फुलो टिकी फिकी ये नाम नहीं रखनी चाहिए, ये सबसे सबसे साइंस है, है? क्योंकि आप लोग तो जानते हो शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाते हैं, मिलाते ही नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रेम से आराम से जीवन बिताते हैं, इसलिए जन्म कुंडली मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? जिस नक्षत्र में उसने जन्म लिया है अगर उसी के हिसाब से अगर नाम दी होगी फिर ये जन्म कुंडली मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। इसलिए अपने आप बच्चों का नाम नहीं देना, पंडित के पास में जाओ, नक्षत्र को देख करके फिर वो अक्षर निकालो, वो अक्षर पहले रख करके ऐसे नहीं जैसे जैसे नाम दिया करो। भगवान और उनका भक्त संबंधी कोई नाम रखा। हम आगे सुनेंगे अजामिल सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रखा था और उसने नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में मुंह से कैसे भूर से निकल गया और वैकुंठ बच गया। इतने महिमा भगवत नाम में। इसलिए आप कभी भी बच्चों का नाम ऐसे तैसे मन मानी चीज नहीं रखनी चाहिए। देखो मैं तो कथा करने के लिए सारा दुनिया रहता हूँ, कहीं मैं जब ऐसी कथा कर रहा था ना, देखो ध्यान देखते सुनो। एक माता जी मेरे पास में आई, बोले बाबा आप सही बता रहे, मेरी दो बेटियां हैं, मैंने अपना मन मर्जी चुल्लू फुल जैसे रखते रहते, जब जन्म कुंडली मिलाने के लिए मिले हमने कहा कोई बात नहीं शादी कर दो। जब अपना ससुर घर में गए इतने लड़ाई इतने झगड़ा, लास्ट में दोनों बेटी बैठे। इसलिए ऐसे मनमर्जी नाम नहीं रखने चाहिए। अभी नाम करना संस्कार होगी, नियम होता है जब नाम करना हो। बेटा कौन होता है? जो हमारा परंपरा को रक्षा करता है, वंश को कुल को जो आगे बढ़ाता है, ये तो बेटा होता है ना। देखो पहले कैसे नाम रखते थे, जब किसी बेटा का पहले नाम रखते थे वो एक नाम से उसकी बेटा और उसका पिता और उसको पिता दोनों का पिता नाम आने चाहिए। जैसे देखो जैसे राम, भगवान का नाम राम वशिष्ठ ने रखा, कैसे रखा? राम, भगवान राम का पिताजी का नाम क्या था बताओ? पिता का नाम क्या था? भगवान राम का पिताजी का नाम, जोर से बोलो,
दसर इसलिए दसर जो रा कर उन्हें दशरथ से रा लिया, इसलिए पहला अक्षर पर रा, फिर रामा में मा आया है, फिर उनको पिताजी का नाम क्या था दशरथ महाराज का। आज ये जो आ कर लिए उन्होंने श्री दशरथ महाराज के पिताजी से वो आ कर लिए, इसलिए नाम पड़ गया रामा। जैसे कृष्ण, तो कृष्ण का पिताजी का नाम क्या, बोले नंद। स्ना में जो न है उन्होंने नंद बाबा का नाम से लिया, इसलिए। और क्री उनको पिताजी का नाम क्या था, परजन बाबा, इसलिए परजन से पा रा जो शब्द है अक्षर है जो क्री में जो री मात्रा में यहाँ से लिया, इसलिए पहले जब नाम रखते थे वो पिताजी और पिताजी दोनों पिताजी के अक्षर लेकर के नाम रखते थे। क्यों, बेटा ही हमारा कुल को आगे बढ़ाना पड़ा, लास्ट में देखना वही बेटा उन्होंने पिंड प्रदान करते पिताजी को। अगर तुम्हारी बेटा का नाम अगर ऐसे हो सही सही तभी तो ये पिंड पिताजी ग्रहण करेंगे, नहीं तो पिंड ग्रहण नहीं करते। इसलिए उनकी जो पत्नी थी धुंधुली, बोले मेरे नाम है धुंधुली और बेटा का नाम होगा धंधुकारी, और दूसरा नाम रख दिया गोकर्ण। जब दोनों बड़े हुए बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाकाली, गोकर्ण को पंडित ज्ञानी हुआ धुंधुकारी बड़ा दुष्ट, बच्चों को कुएं को पास में देते धक्का मार के गिरा दे, दूसरों घर में आग लगाई, चोरी सब कुछ करने लगा। शाम होते ही 10 बजे इसका अभी पंडित जी को याद आया, संत कह रहे थे बेटा भगवान की भक्ति में सुखी होते हैं बच्चे से नहीं, अभी उनको याद आया। एक दिन उसको रोज रोज पिता बच्चा उसको तंग करे, पैसा निकालो कहाँ पर पैसा रखो, मारे पीटे। एक दिन उसने अपना गोकर्ण को पास में गया, बेटा मेरा कल्याण कैसे हो, गोकर्ण इतने सुंदर सुंदर उपदेश बताए, बोले पिताजी न चंद्रस सुखम नास्ती न सुखम चक्रवर्तिना, ये पृथ्वी में कोई सुखी नहीं पिताजी, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, ये चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं पिता, तो एक व्यक्ति सुखी है मुन है रेकांत जीवना, जो भगवान की भक्ति करता पिता केवल वही सुखी। इसलिए हे पिताजी ये संसार का माया मोह ममता को त्याग दो, संतों को शरण में जाकर के उनसे अनुगत्य में किसकी निंदा चर्चा नहीं करते हुए भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से पिताजी सुखी होते हैं। पिताजी चले गए भजन करने के लिए, अभी घर में मैया रह गई, मैया को इतने पिटाई की मैया कुएं में आत्महत्या करती है, उसने छह छह वेश्याओं को बुला कर ले आया, कोई कहते गहना दो कोई बोले कपड़ा दो कोई बोलते साबुन दो। एक दिन उसने राज दरबार में डाकू डाला, बहुत सारी संपत्ति को लूट पाट कर लाया, वैश्या ने देखा सवेरे सियाई लग जाएगी, फिर उन्होंने राता रात उसने इतने बुरी तरह से मारी, इतने बुरी तरह से मार करके घर में गड्ढा खोद कर भाग गई, प्रेत बन गई। जब आया घर में गोकर्ण तब उनको तरह तरह का रूप से भय भय दिखा रहा था, उसने पानी लेकर उनको में छोड़े दो, इतने में बता भैया भैया हम भ्राता को दी अश्मी, मैं तुम्हारे भैया हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैंने इतने पाप किया है एक बात क्यों, मेरे नाम पर सौ बार पिंड तेरे को मुक्ति नहीं मिली। जब सूर्य देवता को प्रश्न की बोले केवल इसको भागवत बता, उनने गांव के सब लोगों को बुलाया, सात गांठ लेकर बांस काट दिए, पहला दिन दूसरा दिन ऐसे करते करते सात दिन में सात गांठ फट गई, मतलब है संसार में सात तरह का बंधन में बंधे हुए हम। इतने में वैकुंठ से सुंदर रथ आया, बड़ा सुंदर विष्णु भक्त बनकर के जब जा रहा था, गोकर्ण ने प्रश्न की यहाँ पर तो इतने सारे कथा सुनने के लिए हम एक ही विमान खुला, सबके लिए विमान लाना चाहिए था, देखो देखने के लिए सब बैठे हुए लेकिन धुंधुकारी जैसे एक मन से उसने कथा सुनी, यहाँ पर ऐसे और कोई कथा नहीं सुनी। इसलिए बोले कथा सुनने का नियम क्या है, नियम को उन्होंने बताया, बोले कथा सुनने का पहला नियम है बोले विश्वास गुरु बात कैसो स्वस्मी तो भाव, पहला नंबर जो कथा सुनने का नियम है
पहले गुरु जी की बात किया में ये शास्त्र में पहले विश्वास करो। जब तक विश्वास नहीं रखोगे तब तक ये भागवत सुनने पर भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहला चीज वो विश्वास हो। देखो मेरे तरफ पे देखो, विश्वास कैसे रखना चाहिए। अब छोटी सी कथा सुनाओ, तेज कथा सुननी चाहिए। पहले एक समय कोई एक चेला गुरु जी के आश्रम में रोज सेवा करना था, लेकिन बीच में एक नदी पार करना पड़ता था, शाम को चला जाता था। एक दिन कोई उत्सव आया तो हो गया था, बोले गुरु जी घर जाना पड़ेगा। बोले बेटा एक रात बोला सवेरे चले जाना। बोले नहीं गुरु जी, अगर आपको पास में रहूंगा ना तो अपना बीवी बच्चों की याद करूंगा, अगर घर में जाऊंगा तो मैं आपको और आश्रम को याद करूंगा, इसलिए गुरु जी मेरे को जाना पड़ेगा। बोले ठीक है चले जा। बोले जाओ कैसे, बीच में नदी आ गई, पार कैसे करूंगा। बोले देख बेटा तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूँ कागज में, इसको अच्छे तरह से हाथ में पकड़ कर रखना, तो चलते चलते नदी पार हो जाओगे। बोले ऐसे मंत्र। बोला हाँ सचमुच से वो नदी को ऊपर में चलते 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 जा रहा था। बोले भैया गुरु जी ने क्या मंत्र लिखे जो चलते चलते पानी के ऊपर चल रहा, करीब करीब पार ही हो गया, थोड़ी सी बाकी थी। उसकी मन में उत्साह आया, गुरु जी ने क्या मंत्र इसमें लिखा। जब उन्होंने पेपर को कागज को खोला उसमें ठाकुर जी के नाम लिखा हुआ था। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी तो पार हो रहा था क्योंकि उसको विश्वास था, लेकिन जब देखा उसको ऊपर में केवल ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ, बोले केवल इतनी सी बात, केवल हरे कृष्ण हरे राम, इतने में उसकी जब श्रद्धा घट गई ना, झट हो गई। हाँ देखो जब तक हमारी विश्वास नहीं हो किस चीज में, अगर कोई सोचे अरे ये भागवत सब पंडित लोग पेट पालने के लिए सब बना दिया है, फिर तक बैठोगे ना कदम तक फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहते विश्वास गुरु भाग्य सो बोले स्वस्मृति न तो भावना, अपना अंदर में दीन भावना हो और कथा को निश्चल होकर के एक मन से ये भागवत कथा को जो सुने जो कुछ मांगोगे कथा से आपको वही चीज प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने जब ये सब बात बताई, गोकर्ण ने कहा भैया देखा हम 7 दिन तक कथा सुनने में फल नहीं मिला, क्योंकि हम ठीक से कथा नहीं सुने। कल हम केवल 7 दिन एक मन से सत्य सब कथा सुना, उसके बाद हमारे बेड़ा पार हो जाएगी। दूसरे दिन से सबके सब कथा से पहले आए, एक मन से कथा सुने, जब कथा समाप्त हो गई सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया, सब के सब बैठ गए, श्री बोलर वैकुंठ को प्राप्त की। इसलिए कथा को हमें ध्यान से ही कथा में सुननी चाहिए। देखो कथा सुनने का नियम है 7 दिन तक बिना खाए हुए कथा। बोले भैया भूखे वही तो भाई ले लो तेरी कंठी वाला। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो 7 दिन तक घी पी कर कथा सुन, बोले पेट बदला हो जाएगा। बोले अगर ऐसे कथा नहीं सुन सकते हो 7 दिन तक फलहार कर कथा सुन, बोले हाँ ये तो कर सकते तभी इसमें कठिन नहीं। बोले सबसे जो बेस्ट नियम बताया, एक बार फलहार करो, एक बार अच्छे तरह से भोजन करो, एक बार फलहार करो, तब ये कथा सुनने का सबसे बढ़िया नियम है। एक बार फलहार और एक बार बढ़िया से भोजन लो। यहाँ तक मैं बताया, अगर ऐसे अगर नहीं सुन सकते हो जितना बार भले ही खाने का खाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक मन से भागवत कथा को श्रवण करो। इसलिए आप जैसे बढ़िया हो अब वैसे ही कथा को आप सुन सकते हो। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राम। और 5 मिनट की आपसे लेंगे। देखो कल है एकादशी, कल क्या है एकादशी व्रत है। अगर भागवत कथा में बीच में एकादशी आ जाए ना, ये कथा को सबसे बढ़िया बन जाता है, क्योंकि ये भागवत में जैसे हम लोग अलग अलग व्रत रखते हैं, इसमें कोई बार व्रत का कोई नाम नहीं है, केवल एकादशी की कथा आती है, जिसको नंद यशोदा करते थे, जिसको अम्बरीश महाराज उनकी पत्नी करती थी, जिसको पंच पांडव जो एकादशी व्रत रखते थे, हैं? केवल भागवत में ये केवल ये एकादशी की कथा आती है।
इसलिए एकादशी की जो महात्म आपको पास में अगर एकादशी कोई ग्रंथ होगा ना, आप उसको जरूर पढ़ना। ये एकादशी को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। कल्प वृक्ष मतलब एकादशी करते हुए आप जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी सब कुछ प्रदान करेंगे। अब एकादशी महात्मा पढ़ना, 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है, महीना में 2 एकादशी आती है। एक एकादशी का नाम है पुत्र, मतलब जिसकी संतान नहीं था उसने एकादशी व्रत की तो उसको संतान की लाभ होगी। एक एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जिस एकादशी करने पर घर में मां लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में कोई पैसा आता है। एक एकादशी का नाम मोक्ष सदा, जो एकादशी करने पर जीव को जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त मिली जाती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो एकादशी करने पर जीव का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी का नाम ही एक एकादशी का नाम ऐसे ऐसे आप पढ़ करके देखिएगा, उसमें अलग 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 एकादशी का व्रत है। किसी के संसार में बड़ी दुख दुख है, किसी तरह से दुख खत्म नहीं हो रहा था, जो एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख समाप्त हो गई। किसी घर में बिजनेस नहीं चल रहा था, हैं? अपना बिजनेस था, बिजनेस नहीं चल रहा था, काम धंधा नहीं हो रहा था, एकादशी व्रत किया तो सारे काम धंधा चले गया। किसी राजा का राज्य चली गई थी, उसने एकादशी व्रत किया तो राज्य मिल गया। आप एकादशी व्रत अगर ग्रंथों को पढ़ करके देखिएगा, जैसे अलग 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 जैसे सोम मंगल व्रत रखते हैं, उसका केवल एक ही फल है, दो फल नहीं है, लेकिन एकादशी का सब कुछ एकादशी को द्वारा आपको मिलेगा। इसलिए एकादशी को बताया एकादशी तभी कल्प वृक्ष व्रत है, मतलब ये सब इच्छाओं को एकादशी पूरी कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया कि तराजू लो, एक तराजू का एक तरफ में ये एकादशी का फल रख लो, तराजू के दूसरे तरफ में और जितने सारे बार व्रत हैं उसको सारे बार व्रत को दूसरे तराजू पर रख लो। आप देखोगे जिधर एकादशी रखोगे वो सबके सब भोजन होते नीचे नीचे आ जाएगा, सबके सब ऊपर आ जाएगा, मतलब इतने महिमा ये एकादशी व्रत की। भागवत में एकादशी व्रत आए तो जिनका कोई महिमा आप बता नहीं सकते, इतना बढ़िया मानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कल भागवत में एकादशी व्रत है, इसलिए आप लोग जरूर करना। कल हम एकादशी कथा सुनेंगे, कैसे पति पत्नी उनको पता ही नहीं था एकादशी, सवेरे सवेरे हो गई उनकी लड़ाई हो गई तो दोनों ही पत्नी मान कर उसने खाना ही नहीं बनाया, इतने में पति भी मान करके बैठ गया, पत्नी बैठ गई, दोनों को अचार में निर्जला एकादशी व्रत हो गया। और अगले जीवन में राजा रानी वो दोनों राजा और रानी बनकर अगले जीवन में जन्म लेते हैं, अनजान में एक एकादशी व्रत हो गई तो। इसलिए कल हम लोग सुनेंगे कौन सा राजा कैसे कैसे एकादशी व्रत रखते थे, एकादशी व्रत करके कैसे फल मिला। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा है अरे एकादशी को उद्यापना करना पड़ता है, ये नहीं, हमारा भक्ति जगत में एकादशी का हम लोग उद्यापना नहीं करते, क्योंकि एकादशी से राधा जी के स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप नहीं है, हम किसी को त्याग नहीं देते। कोई कोई कहते नहीं इसको तो केवल विधवा लोग ही करती है, सधवा करते नहीं, बोले नहीं ये कहीं ये बात नहीं लिखी हुई। आप भागवत पढ़ करके देखो नंद जसोदा, क्या जसोदा विधवा हो गई थी, हम आगे कथा सुनेंगे कैसे नंदा हुआ एकादशी व्रत करके दूसरे दिन कैसे स्नान करने के लिए गए थे। श्री अम्बरीश महाराज भागवत में कथा आएगी, अम्बरीश महाराज पति पत्नी दोनों आकर के श्री मथुरा में दोनों ही एकादशी व्रत कैसे किए, जहां पर से दुर्वासा जी आए थे, हम कथा सब सुनेंगे आगे आगे। एकादशी के जैसे इतने पुण्य व्रत और कुछ है ही नहीं, और एकादशी का आरना में कहते ये सारे पाप रहते हैं, बोले पांच जो सबसे बड़ा पाप मानी जाते हैं, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, पिता माता हत्या, भ्रूण हत्या, ये जितने पाप एकादशी का दिन अर्न में ये सारे पाप रहते हैं, जो एकादशी का दिन अर्न भोजन करेगा तब ये सारे पाप उसको भोगना पड़ता है। इसलिए आप लोग कोशिश करना कल एकादशी व्रत है, सबके सब एकादशी व्रत रखे। देखो कोशिश करना 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो सबके सब फल मूल खाते हो, कुटी
आटा के पकौड़ा खा लो, आलू की सब्जी खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, लेकिन कोशिश करना जैसे बाहर भेजे तो वजह से कुछ नहीं खाए, पर उसको बाद में जैसे फलाहार करते हो ऐसे ही फलाहार करते रहते हैं। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे कि जो एकादशी व्रत है ये एक बहुत बड़ा इसमें से साइंस है। बोले भैया इसमें एकादशी में क्या साइंस है? देखो जो थोड़ी सी लिखे पढ़े लोग है अच्छे तरह से ये चीज को समझो, कर जैसे कोई मशीन हो, कोई भी मशीन को अगर कंटिन्यू हम चलाएंगे क्या होगा, वो मशीन ज्यादा देर काम नहीं करेगी। ध्यान हो कोई भी मशीन को अगर बीच बीच में उसको थोड़ा रेस्ट विश्राम दो वो मशीन ज्यादा देर तक काम करेगा, है ना। हमारा ये शरीर एक मशीन है, अगर ये मशीन को बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे फिर मशीन ज्यादा दिन भी काम नहीं करेगी, फिर ये शरीर तुम्हारी बीमारी पड़ जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया देखो कम से कम 15 दिन में एक बार उसको थोड़ी सी रेस्ट हो। जैसे बच्चे स्कूल पढ़ जाते हैं संडे को छुट्टी रहता कि नहीं? संडे को रहता है ना, क्यों? अब तो शनिवार संडे 2 दिन छुट्टी हो जाती है। बोले क्यों 7 दिन पढ़ा बच्चों को, कोई इंटेलिजेंट बनेगा? बोले नहीं वो पागल हो जाएगा, इसलिए उसको ब्रेन को 1 दिन 7 दिन में 1 दिन उसको रेस्ट दो। जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं जैसे 7-8 पीरियड होता है, देखना बीच में एक खल छुट्टी होता है। बोले खल छुट्टी क्यों होता है? बोले ब्रेन एक मशीन है, अगर कंटिन्यू बच्चा पढ़ता रहेगा ये ब्रेन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं भैया बीच में उसको थोड़ी सी एक खल छुट्टी होता है उसमें रेस्ट दो, फिर क्या होता है भैया बच्चा पढ़ाई बढ़िया करता है। कहते तो उसी तरह ये शरीर को अगर कंटिन्यू चलाएंगे तो क्या होगा, ये शरीर हमारे खराब हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया देखो ये शरीर को 15 दिन में एक बार ये शरीर को रेस्ट दे दो, फिर ये शरीर रेस्ट रहेगा ना, फिर क्या हो बढ़िया से काम करेगा। हाँ अभी प्रश्न है हम एकादशी का दिन ही ये शरीर को हम विश्राम क्यों देंगे, और भी किसी दिन तो कोई व्रत रख सकते थे लेकिन एकादशी का दिन इसको हम क्यों विश्राम देंगे? देखो ये चीज को अच्छा तरह समझ लो। कहते हैं आप लोग सुने होंगे समुद्र में ना पानी में हाई टाइड होता है, हाई टाइड समझते हो, जुहार भटा होता है पानी में, समुद्र पानी में जुहार भटा होती है, पानी बढ़ती है और पानी घटती है। बोले ये कब जुहार भटा होता है? बोले ये चंद्रमा जितने परिमाण में चंद्रमा बढ़ती रहती है ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पानी अपने आप समुद्र का पानी उखड़ती रहती है, अपने आप पानी उखड़ती रहती है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा का एक माध्याकर्षण शक्ति है, जैसे कोई चीज को आप आकाश में फेंको देखना वो नीचे अपने आप आ जाता है, कोई ईंट पत्थर को फेंको देखना वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाता है। बोले क्यों? बोले ये पृथ्वी का एक माध्याकर्षण शक्ति है, तब उसी तरह ये चंद्रमा का भी एक माध्याकर्षण शक्ति है। इसलिए चंद्रमा क्या करती है वो ऊपर पानी खींचती है, ऊपर को खींचती है, पृथ्वी क्या करती है वो भी खींचती है, दोनों ही खींचते हैं आपस आपस तरफ में। खींचने पर अभी चंद्रमा खींचती है पृथ्वी को, लेकिन ये पृथ्वी तो बड़ा उसको तो खींच नहीं सकती, फिर उसको किसको खींचती है? कहते पानी को ऊपर उसको प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुद्र का पानी वो एकादश से लेकर पूर्णिमा तक जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ती रहती है ऐसे ही ये पानी उफनती रहती है, वो पानी उफनती रहती है। अब जब अमावस्या के बाद में फिर पानी धीरे 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 कम हो जाते हैं। कहते उसी तरह हमारा ये जो शरीर है ये शरीर हमारा 5 चीज को द्वारा शरीर बना हुआ है। आप लोग कोई बता सकते हो शरीर में जो 5 चीज क्या क्या शरीर में 5 चीज है? कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन बोल सकता है ये शरीर में हमारा 5 चीज से बनी हुई है? कौन सा 5 चीज है बोलो, कौन बोल सकता है? कोई पढ़ने लिखा पड़ा कोई बच्चे नहीं बताओ क्या क्या है? पंच रचित ये अधम शरीर, ये 5 चीज है मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि, ये 5 चीज से ये शरीर हमारा बनी हुई है। आप लोग ये बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जो 5 चीज से ये शरीर बनी है इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज है? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, ये 5 चीज में सबसे ज्यादा क्या चीज है? कौन बोलता है हाथ उठाओ,
फाइन। हाँ देखो यही चीज को समझो, इसमें क्या साइंस एकादशी में, इसमें सबसे ज्यादा पानी है, बोले कितना परसेंटेज पानी है, कितना परसेंटेज पानी है बताओ, कितने 70, बस 75-80% कभी कभी शरीर में ये पानी ज्यादा था, इसलिए पानी ज्यादा होने का नाते ये चंद्रमा आप लोग देख लीजिएगा, जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द होगा, देखना एकादश का दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, द्वादश में और ज्यादा दर्द होगा, त्रयोदश में और, पूर्णिमा में इतने दर्द होगी सो नहीं सकते हो, इतने दर्द होते हैं, इसलिए आप किसी हॉस्पिटल में जाओ देखना मरने का वाले जो लोग है वो एकादश से पूर्णिमा तक ज्यादा मरने वाले लोग होते हैं, इसलिए ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा ये शरीर के ऊपर पड़ता है पंड पर, लेकिन जैसे रोटी खाओगे, रोटी क्यों बनाएंगे, चावल खाओगे उसमें क्या, उसमें स्पंज जैसे होता है, अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, चावल खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, और जितने शरीर में पानी जाएगी उतना शरीर में बीमारी की सृष्टि होगी, क्यों, ये चंद्रमा खींचती है, हैं, चंद्रमा आकर्षण करती है, इसलिए फल मूल खाने के लिए बताया, क्यों, वो पानी को ज्यादा, वो पानी उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत है, इसलिए ज्यादा पानी नहीं मांगता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने ये जो व्यवस्था रखना एकादशी व्रत करने का ये संपूर्ण एक एक साइंस है, इसलिए एकादशी व्रत करने से शरीर सुस्त रहेगा, बुद्धि भी सुस्त रहेगी, और भगवान के चरण में प्रेम भी भक्ति बढ़ेगी, एकादशी को भक्ति को जनित बताई गई, इसलिए आप लोग सबसे कल श्री एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना, कौन कौन एकादशी व्रत रखोगे, हाँ सबके सब कोशिश करना कम से कम दो बार तक कुछ नहीं खाए, और उसको बाद में देखो भागवत कथा में हमको पंडित जी ने बताए कभी यहाँ पर, तो मैंने कहा कि कल एकादश है, बोले यहाँ पर तो बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, जो लोग अन्न खा रहे हैं उनको एकादश में हमें पता नहीं, मैंने कहा देखो भागवत में एकादशी आए ना सबसे इसकी ज्यादा पुण्य मानी गई, भागवत में एकादशी आए थे इसको सबसे ज्यादा पुण्य मानी गई, और भागवत ग्रंथ में एकादशी की कथा ज्यादा आती है, इसलिए मैंने कहा मैं सबको मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा एकादशी व्रत रखने के लिए, इसलिए पंडित जी के आदेश मैंने पालन की, इसलिए आपको एकादशी की हमने कथा सुनाया, कहते हैं अन्न खाने से जितना पाप है और देने पर भी उतना ही पाप है, इसलिए एकादशी का दिन अन्न भी किसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए भागवत कथा हो रही है सबके सब यहाँ पर, सबके लिए फलाहार बनेगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बनाओ ना, मूंगफली बनाओ, पकौड़ा बनाओ, फ्रूट क्रीम बनाओ, बढ़िया बढ़िया बनाओ, देखो हमारा मंदिर में ना, हमारे वृंदावन मंदिर में सबके सब बाबा लोग सोचते है भैया एकादशी व्रत करवाएगा, क्योंकि रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और एकादशी तरह बदल जाती है, और बढ़िया बढ़िया प्रसाद बन जाते हैं, खाओ लेकिन 12 बजे तक कुछ मत खाओ, उसके बाद में बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ खाओ, ठीक है ना माता जी, सबके सब कल एकादशी व्रत रखना, और एकादशी से भगवान की भक्ति और प्रेम बढ़ेगा, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हमारे प्रभु जी अभी एक सुंदर भजन गाएंगे, सबके सब भगवान की कथा में नाचना चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे ना, देखो देखो भगवान कीर्तन में नाचने का कितना पुण्य है, ये संसार में हम सबके सब नाच रहे हैं, कोई पत्नी को सामने नाचते हैं, कोई बेटे को सामने नाच रहे हैं, कोई पैसा को सामने नाच रहे हैं, लेकिन ये 84 लाख जोड़ी में हम तो नाच ही रहे हैं, बोले क्यों नाचते हैं, क्योंकि हम भगवान के सामने नहीं नृत्य करते, जो एक बार ठाकुर को सामने नाच ले भागवत को सामने, फिर आपका सारे नाचना बदल जाएगा, फिर कहीं आपको नाचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए आप सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी सबके सब सामने आ जाओ, भागवत की आरती होगी, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, आरती फिर प्रसाद लेकर सबके सब जाएंगे, बोलो वृंदावन की जय, जय जय श्री राम, हरे कान्हा की दीवानी बन जाओगे, बन जाओ मन जाओ।
Hey, how about you?
माता जी आ जाते, माता जी गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी आ जाती। हरे कृष्णा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी जो को आपसे Yeah.
दिखाइए। आज से अगर 7 दिन तक नृत्य करेंगे, जितना मोटा और मोटी है सब पतले हो जाएंगे, ठीक है? कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से 2 मिनट केवल उछल के कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना? सबके सब एकादशी व्रत रखना, खाने के लिए कोई मना नहीं, खाओ लेकिन अन्न मत खाया करो। जैसे गेहूं से जो चीज बनती है, हां, जैसे आटा सूजी मैदा ये सब चीज नहीं लेनी चाहिए, और जौ से जितना चीज बनती है, और दाल है ना, किसी तरह का कोई दाल नहीं खाने का, ठीक है? कोई दाल नहीं खाने का, और सरसों नहीं खाने का। अगर चाय हो सके तो देख लेना, इसे चाय जैसे पी करके नहीं रहे, दूध पियो, क्योंकि चाय पत्ता में बनती है, इसलिए फिर चाय पियो तो फिर पत्ता खाना हो जाता है। कोशिश करना जैसे चाय को जगह पर हर्बल ले लो, दूध ले लो, उसमें दूध में चीनी डाल करके उसमें अदरक तरह तरह का चीज लेकर ले सकते हो। हरे कृष्णा। गिरिराज कुमार यहाँ प्रसाद है सभी। Hari Bol. Today live katha is over, so we'll again do it tomorrow around 2 to 5, that's timing. Thank you for watching. I'll try to connect you all again. Hare Krishna.